हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी बुक 2 है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। एक सुपर रिवीजन करने वाले इस पूरी बुक का। जो 3 चैप्टर आपके टर्म 1 एग्जाम में आना है, तो उन तीनों चैप्टर को एक बार क्या करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड वे में रिवाइज कर लेंगे, एमसीक्यूज के थ्रू एमसीक्यू को डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बता दूंगा ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने बुक 1 को डिस्कस किया है। आई होप मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट वीडियोस बताए हैं, जो अप्रोच बताई है, जिस तरीके से हमें काम करना है, आप उन सब सभी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये होगा कि हमारा एक बार सारा मतलब सर्कुलर वे में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। और कल यानी कि मतलब एग्जाम से एक दिन पहले, तारीख की अगर बात करूं मैं तो 16 तारीख को 4 बजे हम लोग मिल रहे हैं लाइव सेशन में। अब देखो यहां पे मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको चीज अपडेट दे देता हूं कि लाइव सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के अलावा असर्शन रीजन में जहां दिक्कत जाती है तो असर्शन रीजन ले लेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ले लेंगे। तो मतलब कह सकते हैं अंडर द सन जो भी है, सारी चीजों को कवर करेंगे हम हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना, मुझे पता है देखो बैक टू बैक एग्जाम्स है, अभी इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ, हिंदी है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो आपको थोड़ा कम समय मिल रहा है। लेकिन बिलीव मी, हम लाइव सेशन में चीजों को स्ट्रेच करके सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे, जिससे जो समय की कमी है उसे हम पूरा कर सकेंगे, ठीक है। समय की जो कमी है उसे हम पूरा कर सकेंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में, इस नोट पर हम आज के इस सेशन को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, फटाफट से क्वेश्चन देखते चलना। पहला सवाल आपके सामने क्या आया, द प्लानिंग कमीशन बिकेम इनइफेक्टिव एंड इररिलेवेंट इन द 21st सेंचुरी इन टर्म्स ऑफ। तो प्लानिंग कमीशन जो है, प्लानिंग कमीशन को 2015 में जैसे आप देखोगे कर दिया, डिसबैंड कर दिया, तो वो इनइफेक्टिव हुआ, ठीक है। उसको किसी चीज को बंद कर रहे हो, मतलब क्या है, कोई वो बंद इसीलिए कर रहे हो ना आपकी, वो इनइफेक्टिव है, वो इररिलेवेंट है, उसका अब आपके लिए कोई महत्व नहीं रह गया। तो क्या कारण रहा होगा ऐसा, तो यहां पे ऑप्शंस क्या क्या दिए देखिए, एज इट इज अनेबल टू हैंडल न्यू पॉलिसीज, ठीक है, कोपिंग विद प्रेजेंट चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, इट एक्ट्स एज अ थिंक टैंक टू यूनियन गवर्नमेंट, ये तो नीति आयोग के लिए हो गया, इट वॉज अनेबल टू फंक्शन इन इफेक्टिव मैनर, ठीक है, तो इफेक्टिव मैनर में काम नहीं कर पा रहा था तभी तो उसको क्या किया, इनइफेक्टिव बताया गया। बाकी दी क्लोजेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 21st सेंचुरी आते आते, मतलब 2015 में जैसे उसे खत्म किया गया, तो उस टाइम पीरियड तक क्या है, इट वॉज नॉट एबल टू कोप विद द प्रेजेंट चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, वी नीडेड अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन वॉज नीति आयोग। तो नीति आयोग ने वो काम हमारा आसान कर दिया, क्लियर हुआ। तो यहां पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, एट द टाइम ऑफ इंडो पाक पार्टीशन द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया वॉज, कुछ फैक्चुअल डिटेल्स ध्यान रखना रहती है। तो जैसे अगर हम देखें कि जब पार्टीशन हो रहा था तो इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे कितने प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे, तो कितने प्रिंसली स्टेट्स थे यहाँ पे, तो इफ वी गो बाय द एनसीईआरटी तो वहां पे 565 प्रिंसली स्टेट्स के बारे में मेंशन है, ठीक है। तो 565 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ना इंडियन यूनियन में, ये एक बड़ा टास्क था जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। थ्योरी कनेक्ट कर पा रहे हो। अगला सवाल देखिए क्या है, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल यह है, विच स्टेट वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला स्टेट कौन सा बनाया गया। अब देखो लॉजिक लगाओ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाए ही नहीं गए। आंध्र प्रदेश की बात करें ना, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से पहले ही आंध्र प्रदेश को लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया गया था, क्योंकि बहुत तेज प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ईयर ध्यान है किसी को, 1953 में आंध्र प्रदेश को एस्टैब्लिश कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो यहां पे पोटी श्रीरामल्लू ध्यान आया, ठीक है, ही डाइड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, तो उसके मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एक तरह से, वो हंगर स्ट्राइक पे थे, उनकी डेथ हो जाती है तो प्रोटेस्ट और तेज हो जाता है, और वहां पे गवर्नमेंट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश तेलुगु स्पीकिंग एरिया से यहां पे क्या है, जैसे आप देखेंगे तो तमिल स्पीकिंग एरिया से तेलुगु स्पीकिंग एरिया को काव आउट करके आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा था, ठीक है, विशाल आंध्र की जो डिमांड थी। तो यहां पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट यहां पे गलत है। द निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज कीन टू हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर द स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो जो प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया, तो उसमें एक बड़ा चैलेंज था ये। इस बड़े चैलेंज में जैसे अगर आप देखोगे तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि निजाम जो था, ही वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंटीग्रेटिंग हैदराबाद विथ इंडिया, ठीक है। तो यहां पर यह पॉइंट सही है। फिर क्या है,
जम्मू एंड कश्मीर वॉज रेडी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. ठीक है, तो जम्मू कश्मीर क्या तैयार था? नहीं, बाद में पटाया गया था राजा को. तो ये वाला पॉइंट हम डाउट की कैटेगरी में डाल देंगे क्योंकि दो ऑप्शन और भी पड़ेंगे. द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व आफ्टर द प्लेबिसाइट इन द स्टेट. जी हाँ, जूनागढ़ को इंटीग्रेट करवाने के लिए प्लेबिसाइट करवाया गया, वहां जनता से पूछा गया. क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे तो जूनागढ़ के जो राजा वगैरह थे वो तो भाग गए थे पाकिस्तान. तो यहां पे क्या है, द इशू वॉज रिजॉल्व आफ्टर द आफ्टर ए प्लेबिसाइट इन द स्टेट. ये स्टेटमेंट सही है. त्रावणकोर वॉज नॉट द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू मर्ज इन टू द यूनियन ऑफ इंडिया. यहाँ तो त्रावणकोर पहला स्टेट नहीं था, इससे पहले और भी, मतलब जैसे अगर आप देखेंगे तो त्रावणकोर तो इंडिपेंडेंस के बाद में मिला, इंडिपेंडेंस से पहले ही कुछ स्टेट्स क्या है इंडियन यूनियन के साथ में मिल गए थे. तो ये भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है. ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. हमें इनकरेक्ट पता करना है फॉल्स. तो ऑप्शन बी ठीक है. जम्मू कश्मीर ने इंटीग्रेशन जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बहुत आसानी से साइन नहीं किया था, दिक्कतें यहां भी गई थी. तो यहां पर ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर. ध्यान रहेगा. अब देखो बात वही है कि क्वेश्चन यहां पे हम फटाफट करेंगे क्योंकि आपके समय से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है. लेकिन आपको जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आंसर खुद देना है और थ्योरी अपने दिमाग में आजू बाजू घुमा लेना है कि क्या एसोसिएटेड थ्योरी है इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई. क्लियर हुआ? अगला सवाल देखो क्या है. तो व्हाट वर दी थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी. जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी अगर बात करते हैं तो तीन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे. टू प्रिजर्व दी हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सुनने में अच्छा लग रहा है, अभी सारे ऑप्शन पढ़ो. नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, कॉर्डियल रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया ओनली, नहीं, एंड मिलिट्री एक्सपेंशन टू अदर नेशंस, नहीं, हमने कभी किसी की टेरिटरी पे जाके हमला नहीं किया, हम मतलब ऐसे उस टाइप के नहीं है, ऐसे पड़ोसी होते ना जो एक्सपैंड करने की कोशिश करते नहीं. ठीक है, टू इंक्रीज इंपोर्ट्स, मोटिवेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एनकरेजिंग एमएनसीज टू सेटअप इन इंडिया. टू इंक्रीज इंपोर्ट्स ये भी नहीं है. ठीक है, नन ऑफ द अबव होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. समझ में आया? तो जो हमारे ये चीज ध्यान रखना, मेजर ऑब्जेक्टिव जो है तो तीन ऑब्जेक्टिव थे, जो फॉरेन पॉलिसी वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन आया ये. तो क्या थे हमारे तीन ऑब्जेक्टिव? टू प्रिजर्व दी हार्ड अर्न सोवरेनिटी, मतलब हम किसी और के गुलाम आगे ना बन जाए. प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, की जो हमारी जमीन है, और जमीन जमीन क्या है, माँ के समान है, तो उसको बांधे रखें हम, बांधे रखें मतलब माँ को बांधे नहीं, मतलब इन द सेंस कि उसकी रक्षा करके रखें हम. क्लियर हुआ? फिर क्या है, एंड टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉवर्टी थी, कह सकते हैं बैकवर्डनेस थी, उससे ऊपर निकल के आना था, तो ये सारी चीजें भी करना पड़ेगी. तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला सवाल, द निजाम वॉन्टेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद. ठीक है, हाँ, हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था निजाम. ही एंटर्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड एज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947. तो जब उससे बोला गया कि चलो लो आओ इंटीग्रेट हो जाओ, तो निजाम ने क्या बोल दिया कि अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं, जब तक आप एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे आ जाओ. ठीक है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मतलब जो जैसा अभी वैसा खड़ा रहा, मैं सोच के बताऊंगा. ठीक है, कितने समय के लिए, तो यही पूछा गया है. तो यहाँ पे क्या है, ही एंटर्ड इनटू अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर डैश वाइल नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन फॉर अ ईयर, फॉर थ्री ईयर, फॉर टू ईयर, फॉर सिक्स मंथ. क्या है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा उसमें से निकल के आया, एनसीईआरटी की मतलब लाइंस चल रही है, चलती लाइन में से बीच में से एक सवाल बन के आ गया. तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, इसके लिए कहानी ध्यान रखना, इसके लिए कहानी ध्यान रखना. तो यहां पे क्या होगा, तो ही एंटर्ड इनटू अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर. ठीक है, एक साल की बात हो रही है यहां पे, फॉर अ ईयर व्हाइल नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन फॉर अ ईयर, मतलब ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला सवाल देखिए क्या है, न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना वॉज कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन. ठीक है, तो नया स्टेट जो है तेलंगाना का, वो आंध्र प्रदेश जो तमिल स्पीकिंग रीजन था, तो पहले पूरा जो तमिलनाडु था उससे क्या है, जैसे आप देखोगे 53 में काव आउट किसको कर दिया गया, ग्रेटर आंध्रा को. ठीक है, विशाल आंध्रा को, तो एक तरह से आंध्र प्रदेश तब बन गया. देखिए, अब आंध्र प्रदेश में से भी एक स्टेट निकल के आ गया तेलंगाना, तो ये कब निकला. ठीक है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला जो वीडियो दिया था तो उसमें भी समझाया था कि किन किन चीजों पर थोड़ा फोकस करना. तो न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना वॉज कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन. ठीक है, कब कार्व आउट किया गया था, तो यहां पे देखोगे 2014 जो है, 2014 में तेलंगाना बना है. ठीक है, रीसेंट है ना, आपने सुना भी होगा तो न्यूज वगैरह में, तो ये रीसेंट है, रीसेंट इन द सेंस तो 6 साल हो गए वैसे पुराने. ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. अगला सवाल ये रहा, इंडिया अपोज द इनडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी. ठीक है,
एनपीटी क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब देखो कैसे सिलेबस ओवरलैप होता है, तो आप क्या देखेंगे इंडिया फॉरेन पॉलिसी में जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन आया। यही क्वेश्चन आपको कहां भी मिल जाएगा, तो आप जो बुक वन का चैप्टर पढ़ते हैं चैप्टर वन में जो लास्ट आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी वाला है, ठीक है, तो उस पार्ट में भी जिसे आप देखोगे एनपीटी का जिक्र होता है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इंडिया अपोज द इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी। तो एनपीटी क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में बोल दिया कि बस अब जितने लोगों के पास हथियार है उतने लोग ही हथियार रखेंगे, न्यूक्लियर वेपन आगे कोई नहीं बना सकता है। 68 में ये ट्रीटी को प्रपोज किया गया था, 70 में इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट कर दिया गया था, और 1970 के बाद में 1995 तक 25 साल का प्रोविजन था, और 25 साल के बाद क्या बोल दिया कि अब इनडेफिनिट पीरियड तक एक्सटेंड कर दिया, कोई न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इंडिया ने इसका जो इनडेफिनिट एक्सटेंशन हुआ था ना नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, इसको अपोज किस साल में किया था, जिस साल में इस ट्रीटी को इनडेफिनिटली एक्सटेंड किया गया होगा, कब एक्सटेंड किया गया था, 1995 में। तो 1995 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, समझ में आ रही है कहानी, ठीक है, 1995 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट डज दिस पिक्चर सिंबलाइजेस, इस पिक्चर को देखो, ठीक है, हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, और यहां पे क्या जैसे आप देखोगे पाकिस्तान और इंडिया के फ्लैग को एक साथ जोड़ के दिखाया उन्होंने, तो ये पिक्चर क्या सिंबलाइज कर रही है। फाइन, देखो क्या है, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मार्क द एंड ऑफ कम्युनल वायलेंस बाय जॉइंटली फ्लाइंग द फ्लैग्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जॉय एंड फ्रीडम, इंडिपेंडेंस केम विथ पार्टीशन, क्या दर्शाना चाह रही है पिक्चर, ठीक है। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है, मार्क द एंड ऑफ कम्युनल वायलेंस बाय जॉइंटली फ्लाइंग द फ्लैग्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के फ्लैग एक साथ दर्शा लहराए जा रहे हैं, तो ये दर्शाते हैं कि भैया जो आप कम्युनल वायलेंस हो रहा है पार्टीशन के नाम पे, जो खून खराबा हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में, उसे खत्म किया जाए, ठीक। तो इस तरह से क्या है, ये चैप्टर स्टार्ट होते थे आपको देखने को मिलेगा ना, तो इस तरह से क्या झंडे फहराए गए थे बंगाल वाले एरिया में, क्लियर हुआ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इमर्ज्ड एज अ मेजर लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है एक मेजर लीडर की तरह इमर्ज होकर आते हैं, ठीक, इंडियन पॉलिटिक्स में एक टॉल लीडर की तरह उनका नाम है, तो वो किन मूवमेंट्स के थ्रू कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इंक्लूड हुए हैं, तो स्वदेशी मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, बोथ बी एंड सी। तो जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो यहां क्या है, अब एडिशनल मटेरियल, हाँ जी यहां पे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं, एडिशनल मटेरियल से भी मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए इन द सेंस कि एडिशनल मटेरियल जो आपको दिया है उसमें से क्वेश्चन बना दिए हैं, क्यों, तो ताकि आप यहां पढ़ो, आपको नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर ये बुक में तो था नहीं, कहां से पूछा आपने, तो आप वो एडिशनल मटेरियल पढ़ो, एडिशनल मटेरियल जो है, एडिशनल टॉपिक्स जो है आपके, उन्हें एक बार देख लेना, पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन वहां से आ सकता है, ठीक है। जैसा सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया तो एज इट इज क्या है, नीति आयोग पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया उसमें से, तो मुझे लग रहा है कि वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं ना हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, तो एडिशनल टॉपिक जो है उनको एक बार पढ़ जरूर लेना अच्छे से, मैंने हर एडिशनल टॉपिक पर वीडियो बना के आपको दे दिया वैसे भी। तो अब जैसे यहां देखोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इमर्ज्ड एज अ मेजर लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, तो यहां पे खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, स्वदेशी मूवमेंट, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी मतलब खेड़ा और बारदोली दोनों ही, जैसे देखोगे तो गुजरात की मिट्टी से ये हमारे लीडर जो है वो खड़े हुए थे, क्लियर हुआ, तो बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इनमें से कौन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के साथ में एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953-56 में रिपोर्ट आती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आप यहां देखोगे तो कौन कौन थे, तो फजल अली कमीशन, ठीक है, तो फजल अली भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, एच एन कुंजरू भी, के एम पानीकर, तो ये तीनों ही लीडर अलग अलग टाइम पीरियड में, जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, दे वर एसोसिएटेड विद द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। और पढ़ाते समय पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा डिटेल बताना चाहिए, तो पढ़ाते समय मैंने सबके नाम वगैरह सब कुछ बताया आपको, ठीक है। के मुंशी जो है ना, तो के मुंशी इज नॉट द राइट पर्सन ओवर हियर, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए उनका नाम सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि नॉट एसोसिएटेड पूछा है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, बार बार मैं बोलता हूं अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल ये रहा, Who was the first foreign minister of independent India? Independent India की अगर स्वतंत्र भारत की हम बात करते हैं तो पहले foreign minister कौन थे? Who was the first foreign minister? तो अब पहले foreign minister की बात करेंगे, मोरारजी देसाई थे क्या, जयप्रकाश नारायण थे क्या, जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर एस ए डांगी थे, कौन थे? तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द पर्सन जो खुद foreign minister भी थे और खुद प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो दो पोर्टफोलियो संभाले उन्होंने, ठीक है। तो यहां पे जवाहरलाल नेहरू इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, छोटी छोटी डिटेल से इन्हें ध्यान रखना, क्लियर हुआ, जवाहरलाल नेहरू इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला सवाल, नेम द लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया हु वॉज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता था? ठीक है, ही वॉज द पर्सन हु अपोज द पार्टीशन ऑफ नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो अलग अलग तरह से यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, उनके उनसे जुड़ी थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था वहाँ के
दिग्गज नेता थे, ये पार्टीशन करवाना नहीं चाहते, लेकिन पार्टीशन हुआ मुस्लिम लीग की डिमांड पे, ठीक है। तो उनका नाम क्या था? खान अब्दुल गफार खान। तो महात्मा गांधी की तरह इनकी रिस्पेक्ट थी, ही वॉज ऑल्सो अ टॉल लीडर ओवर देयर, ठीक है। तो यहां पे खान अब्दुल गफार खान इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, वेयर वॉज द ड्राफ्ट ऑफ फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वॉज रिलीज्ड। पहले फाइव ईयर प्लान का ड्राफ्ट कब रिलीज किया गया, अच्छे से समझना। बॉम्बे प्लान काम करना चालू किया वो सारी चीजें नहीं पूछी है, यहां पूछा है कि जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का ड्राफ्ट बनाया था ना, तो वो ड्राफ्ट कब रिलीज किया गया, तो कौन सा ईयर होगा, 1950 होगा, 51 होगा, 51 होगा। 51 में भी अब देखो क्या हो गए, यहां पे अक्टूबर आ गया, दिसंबर आ गया, तो अब आप क्या लगाओगे। अब यहां जैसे देख रहे हैं हम कि दिसंबर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कारण क्या है, एनसीईआरटी में जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में पेज चेंज करते से यहां पे फोटोग्राफ है और यहां आपको लाइन देखने को मिलेगी, द ड्राफ्ट ऑफ फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वॉज रिलीज इन दिसंबर 1951, ठीक है, दिसंबर 1951 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला सवाल, इन विच ईयर नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश्ड। दो तरीके से याद रखा जा सकता है, जब प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ नीति आयोग आ गया, तो क्या था यहां जैसे अगर आप देखेंगे तो प्लानिंग कमीशन के बाद में नीति आयोग आता है ना, तो नीति आयोग वॉज 2014 में, जैसे अगर आप देखेंगे एनडीए की गवर्नमेंट आती 2014 के इलेक्शन के बाद में और वहां से चीजें बदलना चालू होती है, नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया जाता है, तो 2014 इज गोइंग टू बी दी और 2015 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। मतलब 2014 में गवर्नमेंट आती है और उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट 2015 में प्लानिंग कमीशन को डिस्पेंड करके नीति आयोग को एस्टैब्लिश करती है, तो 2015 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नीति आयोग और ये नीति आयोग हो गया, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला टॉपिक हो गया, ये सब एडिशनल टॉपिक्स में है, इन्हें अच्छे से पढ़ना, क्लियर हुआ। अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द जनरल इलेक्शन ऑफ 1970 इन पाकिस्तान। 1970 पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, 1970 के जो जनरल इलेक्शन थे पाकिस्तान के, ठीक है, तो उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है आपको। अब देखिए ये चीज फिर रिपीट हो रही है, कहां रिपीट हो रही है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो आप बुक वन में भी थोड़ा सा कनेक्ट करा है वहां पे, ठीक है, बुक वन में भी कनेक्ट किया है, अब यहां फिर आप कनेक्ट कर रहे हो उसे। तो इसमें मेन चीज ये है कि द बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड वोटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इयर्स ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजंस बाय द रूलर्स इन वेस्ट पाकिस्तान। तो जब डिवीजन से पहले, जब बांग्लादेश नहीं बना था, उससे पहले तक क्या कहानी चलती थी कि वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स थे वो ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करते थे, ठीक है, तो वो पंजाबी उर्दू कल्चर जो है वो यहां पर डोमिनेट करता था, तो कल्चरली क्या है आपको डिसिमिलैरिटीज देखने को मिली, ठीक। तो उसके चलते क्या, उसके चलते आप जैसे देखोगे तो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने जो कि न्यूमेरिकली स्ट्रेंथ में ज्यादा थे, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में वोट किया, किसके अगेंस्ट में, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेंस के अगेंस्ट में, ठीक। फिर क्या होता है, पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट, और चुनाव में नतीजे भी आते कि अवामी लीग जो रहती है वो जीतती है, ठीक है, लेकिन जो रूलर्स थे पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान के, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट, ये बात भी सही है, अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया था, ये सारा सब कुछ पढ़ा हमने थ्योरी में। फिर क्या है, दी पाकिस्तानी रूलर्स वर रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग्स डिमांड फॉर अ फेडरेशन। नहीं, अवामी लीग जो फेडरेशन की डिमांड कर रही थी, थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाह रही थी, उस चीज को ये एक्सेप्ट थोड़ी ना कर रहे थे, और इसी चीज पे तो पूरा बहस होता है, मुजीबुर रहमान वगैरह को इसी चीज के लिए क्या किया जाता है, जेल में डाला जाता है, ठीक। तो दी पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग्स डिमांड फॉर द फेडरेशन, ये सही है। हमें पता क्या करना है, नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू आपको दिखी गया कौन सा है, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर हुआ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा, हु अपोज्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक्ड, ठीक है, तो हु अपोज्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट द स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक्ड। इसका देखो हाँ, अब क्या हो रहा है ना कि जो पार्टीशन प्लान आया तो उसमें दे दिया कि भैया स्टेट्स जो हैं वो क्या थे, वो अब आजाद हो जाएंगे जैसे ही ब्रिटिश रूल खत्म होगा, तो दे डू हैव थ्री ऑप्शंस, ठीक है, तो अब उनके पास क्या होगा, स्टेट्स के पास में तीन ऑप्शन, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले, या इंडिया को ज्वाइन कर ले, या इंडिपेंडेंट रह ले, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि इंडिपेंडेंट रहे, क्यों, क्योंकि फिर आप सोचो ना इंडिया का मैप कैसा दिखता है कि अलग अलग जगह इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स रहे, तो इंडियन गवर्नमेंट जो थी, इंडियन यूनियन जो थी, वो ये चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स इंडियन यूनियन में जुड़ जाए, लेकिन और मुस्लिम लीग को भी पता था कि अधिकतर किस में जाएंगे, इंडियन यूनियन में ही जाने वाले, तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज किया और इस व्यू को अपोज किया कि स्टेट शुड नॉट बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक, ठीक है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ये चाहती थी ना कि स्टेट्स मिले, किस में मिले, इंडियन यूनियन में मिले, लेकिन मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग ये चाहता था कि नहीं नहीं उनकी जैसी इच्छा हो, क्योंकि उन्हें मुस्लिम लीग को पता था क्या कि अगर आप उन्हें फ्री छोड़ दोगे तो वो फ्री रहना चाहेंगे, लेकिन इंडियन यूनियन के साथ जुड़ जाएंगे तो इंडिया और पावरफुल हो जाएगा,
क्लियर हुआ? तो यहां पे मुस्लिम लीग इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक, अगला सवाल देखिए क्या है. विच एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया बाय लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, ठीक है, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा एग्रीमेंट साइन किया. लॉजिक लगाओ जरा यहां पे, अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो. देखो 1972 इस टाइम तक उनकी डेथ हो गई थी. शिमला एग्रीमेंट इंदिरा गांधी ने साइन किया था. ठीक है, इंडिया चाइना एग्रीमेंट 1959, तो इस समय पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे. इंडस रिवर एग्रीमेंट इस समय पे भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे. बचा क्या? ताशकंद एग्रीमेंट. ठीक है, ताशकंद एग्रीमेंट, और यहीं पे उनकी डेथ हुई थी. क्लियर हुआ? तो ताशकंद एग्रीमेंट ऑफ 1966 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. एक मूवी है ताशकंद फाइल्स, ठीक है, देखना उस मूवी को. अभी नहीं, पहले एग्जाम दे लो, उसके बाद. क्लियर हुआ? तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला सवाल देखिए क्या है. नेम द प्रिंसली स्टेट वेयर मिलिट्री ऑपरेशन वॉज कंडक्टेड बाय द इंडिया इंडियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मर्ज इट. अब क्या है, प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम गई. अब आपको यहां पे बताना है कि वो कौन सा प्रिंसली स्टेट था जिसको इंटीग्रेट करवाने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाने पड़े थे. तो कौन सा प्रिंसली स्टेट था? मणिपुर, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, त्रावणकोर. तो यहां पे हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद ने बहुत परेशान किया था ना. तो अब देखो, मैं वही बता रहा हूं आपसे, क्वेश्चन आए ना तो घुमा लिया करो सब कुछ सिर में. अब निजाम और हैदराबाद ने क्या बोल दिया कि एक साल का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे बात कर ली, और उधर वो प्लानिंग करने लगा. किस चीज की प्लानिंग करने लगा? अपने आप अपनी मतलब पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी कर ली. पैरामिलिट्री फोर्स में जो वॉरियर्स थे उनका नाम क्या था? मतलब देवर प्रॉपरली पॉपुलरली नोन एस वॉट, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में. ठीक है, तो जो ट्रेंड हॉर्स राइडर्स थे उन्हें क्या कहा जाता था, बताओगे कमेंट सेक्शन में. तो इस तरह से क्या हैदराबाद में अलग ही प्लानिंग चल रही थी. जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी थी, ठीक है, रूलर मुस्लिम थे, तो रूलर मुस्लिम थे, और इसके चलते क्या हो रहा था, इसके चलते जो दूसरी कम्युनिटी थी जैसे हिंदू सिख, तो इनके ऊपर क्या होते थे, इनको अत्याचार सहना पड़ा था. और इसी के चलते क्या होता है, इंडियन यूनियन जो इंडियन गवर्नमेंट जो उसे इंटरवीन करना पड़ता है उन्हें आजादी दिलाने के लिए, उन्हें बचाने के लिए. ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जिसे जिसे कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है, दिस स्टेट वॉज मर्ज्ड इनटू द इंडियन यूनियन. इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या, मतलब अगला क्वेश्चन देखो. तो हैदराबाद इज द राइट आंसर. अगला सवाल ये रहा, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. नीति आयोग के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया. सवाल यह है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन जो है, ठीक है, तो हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? क्वेश्चन दे रहे एक, चलो क्वेश्चन एक देते हैं हम आपको होमवर्क क्वेश्चन, और कि प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन कौन है. देखो क्वेश्चन में वही कह रहा हूं ना कि कहीं से भी आ सकता है एडिशनल मटेरियल, क्योंकि दिया गया है, स्पेसिफिकली नाम दिया गया है. तो प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग की, ये बताना है आपको. ठीक है, तो हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द फाइनेंस मिनिस्टर. तो यहां पर दिखती बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, तो प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू अपॉइंट द वाइस चेयरपर्सन. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा, दो निकल गए क्या सवाल? नहीं, एक ही निकला. तो अगला सवाल ये रहा, हाउ मेनी स्टेट्स वर फॉर्म्ड एज सून एज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1956. ठीक है, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फोर्स एनफोर्स किया गया. अब सवाल यह है कि हाउ मेनी स्टेट्स वर फॉर्म्ड एज सून एज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो 14 स्टेट थे उस समय पे. आज जैसे अगर आप देखोगे तो आज कितने स्टेट हो गए? 28 स्टेट्स हो गए, तो डबल हो गए. ठीक है, तो इतने सालों में स्टेट्स डबल. लेकिन जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी. ठीक है, 6 यूनियन टेरिटरीज थी, ये चीज ध्यान रखना. फिर उसके बाद में और क्या अलग अलग तरह से डिवीजन होते चले गए. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में कौन सा स्टेट कब बना, वो थोड़ी सी चीजें हैं छोटी छोटी, वो ध्यान रखना. ठीक है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में उस समय बता दिया था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में जो सीक्वेंस है ना, जैसे अलग अलग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, अभी यह नहीं बताते कि आगे क्वेश्चन भी लगाया. तो जैसे 2000 हो गया, 72 हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहे जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जैसे नॉर्थ ईस्ट में ये वो, तो वो ध्यान रखना. ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना. कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग. फाइन, तो कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग, फाइंड दी रॉन्ग स्टेटमेंट. तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और इनमें से क्या गलत लग रहा है आपको उसे पता करो. तो कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग, फाइंड दी रॉन्ग स्टेटमेंट. नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, सही बात है. नीति आयोग डज नॉट इंश्योर द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डज नॉट लिखा है. ठीक है, तो डाउट की कैटेगरी में डाल दो. क्यों? क्योंकि इट इंश्योर्स द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं. डॉक्टर राजीव कुमार इज द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. आपके एक सवाल का जवाब आपको यही मिल गया.
तो ऑप्शन डी भी सही है. इनकरेक्ट पता करना है रॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी दी रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शन बी इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट. चलो अगला सवाल देखिए क्या है. विच ऑफ दी फॉलोइंग आइडियाज, ठीक है, डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी. ठीक है, तो विच ऑफ दी फॉलोइंग आइडियाज डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दी अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी. तो अब देखो इंडिया की जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज रही है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, तो उसमें जैसे अगर आप देखोगे तो प्लानिंग पे हमने फोकस किया, कोऑपरेटिव फार्मिंग पे हमने फोकस किया. ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे जैसे अगर आप देखेंगे तो किस चीज पे, फार्मिंग सेक्टर को ग्रो करने पे ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान वगैरह में फोकस था. सेल्फ सफिशिएंसी पे हमने ध्यान दिया. बाकी लिबरलाइजेशन तो 1991 में बात आई ना, तो लिबरलाइजेशन पे तो हमने बहुत लेट ध्यान दिया. तो ऑप्शन बी जो है लिबरलाइजेशन, ये बाद की चीज हो गई. फाइन, और सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी. तो अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसी में लिबरलाइजेशन वॉज नॉट द पार्ट ऑफ प्लान. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. समझ में आई बात. अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वर इन फेवर ऑफ सपोर्टिंग द यूएस ब्लॉक. अब देखो जब हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही, तो कहां से आया चैप्टर, तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाला जो चैप्टर है आपका, ठीक है, जिसे इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, था. ठीक है, उस चैप्टर को उठाओगे तो आप पढ़ोगे उस चैप्टर में क्या कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी के ड्राफ्टिंग में. ही रिलाइड ऑन द आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट पर रिलाई किया. उसी के चलते क्या उन्होंने बोला कि किसी ब्लॉक की तरफ नहीं जाना है. लेकिन कुछ लीडर्स जो थे उनका यह मानना था कि क्या कुछ लीडर्स का क्या मानना था कि नहीं हमें वेस्टर्न ब्लॉक जो है, यूएस जो है, ठीक है, यूएस की तरफ क्या होना चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट हमें दिखाना चाहिए कि हम यूएस को सपोर्ट करते हैं ताकि यूएस से हमें सपोर्ट मिले. तो वो लीडर कौन थे बताओ, सरदार पटेल, अंबेडकर, जेसी कोमरप्पा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या लगता है आपको? तो यहां पे दी राइट आंसर इज डॉक्टर अंबेडकर. ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर. फाइन, क्योंकि डॉक्टर बी आर अंबेडकर फेवर्ड ऑफ सपोर्टिंग दी यूएस ब्लॉक. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. अगला सवाल ये रहा, ऑन विच आइडियोलॉजी इज आर प्लानिंग सिस्टम डिपेंडेंट. हमारा प्लानिंग सिस्टम जो है वो किस आइडियोलॉजी पे डिपेंडेंट है. प्लानिंग सिस्टम मतलब वो उस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाला जो आपका पार्ट रहा है चैप्टर, ठीक है, उस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है. लिबरलिज्म पे डिपेंडेंट है हम, कम्युनिज्म पे डिपेंडेंट है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और गांधीज्म. ठीक है, तो अब देखो क्या है, शब्द बहुत भारी है, यहां तो ऑप्शन में लिखे आए हैं लेकिन जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना तब शायद अगर मैं याद रहूं तो ये शब्द भी याद आएंगे कि लिबरलिज्म जो है ना बहुत मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक शब्द में समझा दो लिबरलिज्म, तो बड़ा आइडियोलॉजी है. ठीक है, और क्या इस आइडियोलॉजी का कहीं ना कहीं हमें पार्ट देखने को मिलता है, तो एक मॉडिफाइड वे में आपको पार्ट लिबरलिज्म का भी देखने को मिलेगा, कम्युनिज्म का भी देखने को मिलेगा, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी देखने को मिलेगा, गांधीज्म भी देखने को मिलेगा. आंसर तो एक लगाना है यहां पे. तो बेसिकली क्या है कि वी डिडंट वेंट फॉर लिबरलिज्म. ठीक है, होल मतलब होलसोल वे में हम ना कम्युनिज्म की बात कर रहे थे ना गांधीज्म पूरी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे डेवलपमेंटल प्लान में आपको रिफ्लेक्ट होगा. जो रिफ्लेक्ट होता है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब डेमोक्रेसी रहेगा, सोशलिज्म पे भी फोकस किया जाएगा, रशिया की तरह अथॉरिटेटिव नहीं होगा. ठीक है, यूएसएसआर की तरह अथॉरिटेटिव नहीं होंगे, तो उस तरह से क्या है बोल सकते हैं ना, मिली जुली आपको क्या एक डेवलपमेंटल प्लान के लिए आइडियोलॉजी देखने को मिलती है. तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर. ठीक है, कुछ बच्चों को लग सकता है गांधीज्म भी हो सकता है, लिबरलिज्म भी हो सकता है, बाकी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज द राइट आंसर. अगला सवाल देखिए क्या है, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज द आउटकम ऑफ हर इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज द आउटकम ऑफ हर इकोनॉमिक पॉलिसी. सही बात है, दीज रिमार्क्स वर मेड बाय, ये रिमार्क्स किसके द्वारा दिए गए थे. तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है किसी भी कंट्री की इज द आउटकम ऑफ हर इकोनॉमिक पॉलिसी. तो ये जो रिमार्क है, दिस रिमार्क वॉज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले क्या थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे और हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे. उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उनका मानना यह था कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट से कंसिडर्ड मतलब ड्रिवन होगी. फाइन, तो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. अगला सवाल, इन विच ईयर स्टेटहुड केम इन पंजाब. तो पंजाब में स्टेटहुड कब आया, आंसर आपको सीधा दिख रहा है यहां पे क्या है, तो 1966 शुड बी द राइट आंसर. अब एक चीज ध्यान रखो यहां पे, आपको क्या बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ये जितने भी स्टेट से जुड़े हुए ईयर्स हैं, तो देखो अब क्या है कि यहां पे तो आपको पता है कि ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, लेकिन अब इसमें क्या है कि 1956 में हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, 60 में जैसे आप देखोगे तो बाइलिंगल स्टेट जो थे पंजाब बॉम्बे वाला, तो बॉम्बे गुजरात अलग अलग हो गए, फिर क्या है 66 में पंजाब वाला कहानी आ गई है, 72 हो गया. ठीक है,
तो ये जो ईयर्स 2000 हो गया, तो जो मेजर ईयर्स है जिनमें क्या है, जिसमें स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। एक डेडिकेटेड वीडियो इस पे जो मैंने बनाया था तो उसको बहुत अच्छी तरह से इसीलिए एक्सप्लेन किया था। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन बी मतलब, और वो जो बॉक्स में दिया ना फास्ट फॉरवर्ड वाले बॉक्स में, उस फास्ट फॉरवर्ड वाले बॉक्स को भी पढ़ लेना। तो इन विच ईयर स्टेटहुड केम इन पंजाब, तो 1966, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, Which of the following is not a function of नीति आयोग? नीति आयोग का इनमें से क्या फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्या फंक्शन नहीं है? तो देखिए, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी टू एनकरेज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेजर डिसीजंस, टू एक्ट एज अ सेंटर ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च, टू एक्ट एज अ सेंटर ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च, ये तो क्या है, ये तो है फंक्शन, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेजर डिसीजंस, एनकरेज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ये भी है। हाँ यार, इंप्लीमेंट डिसीजन तो इंप्लीमेंट नीति आयोग थोड़ी ना करेगा। नीति आयोग तो क्या करेगा, एडवाइस देगा, स्ट्रेटेजी बना के देगा, इंप्लीमेंटेशन तो अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव करेंगे। तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग, तो दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ नीति आयोग। अगला सवाल देखिए क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का टास्क दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट, अब इस संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो देखना है आपको। तो ही हैड अ लॉन्ग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, सही बात है, इसीलिए तो उनको जिम्मेदारी दी। ही वॉज अ विजनरी एंड विजनरी लीडर एंड अ गुड स्पीकर, सही बात है। मुस्लिम लीग वॉन्टेड दैट द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी एंट्रस्टेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं, मुस्लिम लीग तो अलग ही रूठी हुई बैठी थी, तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन भी देख लो, ही वॉज द होम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर ऑफ कंसेशन डिपार्टमेंट, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज नॉट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट, तो दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है, हु वॉज द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। देखो मैं फटाफट क्वेश्चन करवाने की कोशिश इसलिए करता हूँ क्योंकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, आपको थ्योरी भी बताते चलूंगा, लेकिन वो ये कि समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो टाइम का। तो वॉज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, तो अगेन इंटरिम गवर्नमेंट की कहानी क्या है, आजादी मिल गई 47 में, ठीक है, पहला चुनाव जो हुआ था हमारा कब हुआ, तो 1951 से 52 तक पहला चुनाव हुआ, 52 से मतलब आप देखोगे पहला इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड कैबिनेट वगैरह सब कुछ आया। तो 47 से 52 तक देश कैसे चला, अपने पैरों पर, मतलब चलाने वाले कौन थे। तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी, उस इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, हु वाज द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द 5-ईयर प्लान। 5-ईयर प्लान किसने बनाया, अमर्त्य सेन, पीसी महालनोबिस, फर्स्ट है क्या, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द 5-ईयर प्लान, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द 5-ईयर प्लान। तो अब यहां पे थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो गया है, क्यों, क्योंकि देखो अमर्त्य सेन तो नो डाउट कहीं से कहीं तक नहीं है, जेसी कुमारप्पा लीडर थे, ठीक है, इन्होंने कह सकते हैं कि एफर्ट्स डाले, लेकिन मैं वो कह रहा हूं ना कि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो गया। अगर यहाँ इतना लिख देते ना, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट 5-ईयर प्लान, फर्स्ट 5-ईयर प्लान, तो हम क्या कर सकते थे, के एन राज पे लगा देते, सेकंड लिख देते तो पीसी महालनोबिस में लगा सकते थे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, विन विन टाइप से सिचुएशन हो गई है। ध्यान रखना कि फर्स्ट 5-ईयर प्लान जो कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस्ड था, तो उसमें आप के एन राज को ध्यान रखेंगे, पीसी महालनोबिस का जो पॉइंट आएगा। तो सेकंड 5-ईयर प्लान जो है, जिसमें ट्रिकलिंग इफेक्ट की बात करी उन्होंने, जिसमें उन्होंने फोकस किया कि इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जाए, तो सेकंड 5-ईयर प्लान में पीसी महालनोबिस वॉज द पर्सन, ठीक है, हु वर्कड विथ जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पे उस तरह से क्लैरिटी रहेगी ना। चलो तो इसमें हम केसी के एन राज को आंसर लगा देते हैं, कंसिडरिंग द फर्स्ट 5-ईयर प्लान। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखो क्या है, पोटी श्रीराम अल्लू, ठीक है, पोटी श्रीराम अल्लू वॉज एसोसिएटेड विथ, तो किस स्टेट से एसोसिएटेड है, यहां तो स्टेट ही पूछा है, तो हम लगा सकते हैं आंध्र प्रदेश वॉज द स्टेट, और ही वॉज द पर्सन, ही वॉज द फिगर, ठीक है, हु कह सकते हैं, हु लेड द प्रोटेस्ट, हु लेड द प्रोटेस्ट फॉर द विशाल आंध्र। तो आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस पे तमिलनाडु से अलग किया जाए, ठीक है, उस चीज के लिए डिमांड करी थी, एंड ऑन हंगर स्ट्राइक ही डाइड, ठीक है, तो वाइल ही वॉज ऑन हंगर स्ट्राइक, तो उस समय उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिससे प्रोटेस्ट और तेज हो जाता है और गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशर में आके आंध्र प्रदेश को वहां पे बनाना पड़ता है। तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, वॉट इज द नेम ऑफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर, ठीक है, तो इंडिया और चाइना इनके बीच में जो बॉर्डर है, तो उस बॉर्डर का नाम क्या है, ठीक है, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज वॉट, क्या कहा जाता है उसे, रेडक्लिफ लाइन, डूरन लाइन, मैकमोहन लाइन, साइलेंट लाइन, ठीक है, तो देखो रेडक्लिफ नहीं है, डूरन भी नहीं है, साइलेंट लाइन
नहीं है, मैकमोहन लाइन जो है ना, तो मैकमोहन लाइन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर हुआ? तो व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? मैकमोहन लाइन. मैकमोहन लाइन ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. अगला सवाल देखिए क्या है. अगला सवाल आगे जिसे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा. विच प्रिंसिपल वॉज फॉलोड फॉर द डिविजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया और पाकिस्तान का डिविजन हुआ, पार्टीशन हुआ, ये आप जानते हैं. इंडिया पाकिस्तान का जो डिविजन हुआ तो उसमें किस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया? तो प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल मेजोरिटीज, प्रिंसिपल ऑफ एथनिसिटी ऑफ द पीपल, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज, नन ऑफ द अबव. ठीक है, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे विच प्रिंसिपल वॉज फॉलोड फॉर द डिविजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या? प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज. क्यों? क्योंकि जैसे मुस्लिम मेजोरिटी वाली जो एरिया है उसे पाकिस्तान बनाया जाएगा, हिंदू मेजोरिटी वाली जो एरिया है उसे क्या बनाया जाएगा? इंडिया बनाया जाएगा. टू नेशन थ्योरी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड थी. समझ में आया ना? तो विच प्रिंसिपल वॉज फॉलोड फॉर द डिविजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? तो ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला सवाल यह रहा, व्हेन वॉज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश्ड? हाँ जी, एनडीसी जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन, फिर उसके बाद क्या, नीति आयोग. तो ये कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आप एडिशनल टॉपिक में भी पढ़ रहे हैं, मैंने पढ़ाया, इस पर स्पेसिफिक वीडियो बनाया, ध्यान आया. सवाल क्या पूछा गया है कि एनडीसी को एस्टैब्लिश कब किया गया? व्हेन वॉज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश? तो उधर प्लानिंग कमीशन के साथ में आई थी दहेज में. तो 1952 शुड बी द राइट आंसर. 1952 इज द राइट आंसर. ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है. व्हेन वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट इंप्लीमेंटेड? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट कब इंप्लीमेंट हुई? अच्छे से समझो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को कंस्टिट्यूट कब किया गया, कब काम करना चालू किया? तो 53 वगैरह उस टाइम पे चले जाओगे आप. लेकिन पूछा है कि इंप्लीमेंट कब किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट को. तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद में उसका इंप्लीमेंटेशन जो हुआ ना, तो वो कब हुआ था? 1956 में. तो रीअरेंजमेंट जो हुआ स्टेट्स का वो 1956 में हुआ, 1 नवंबर 1956. ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. समझ में आई मेरी बात? तो इंप्लीमेंटेशन पूछा है यहां पे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन कब हुआ, तो अलग ईयर चले जाएगा. इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो 56 में हुआ था, मतलब जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट को लागू कब किया गया. ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. क्लियर हुआ? अगला सवाल देखिए क्या है. सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस्ड चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो जब प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेशन की बात होती है तो कुछ स्टेट्स के साथ में हमें दिक्कतें गई. तो कौन कौन से स्टेट्स में के इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत गई? देखो, हैदराबाद, मुरादाबाद, जूनागढ़. ठीक है, तो जूनागढ़ में भी दिक्कत गई थी, हैदराबाद में भी, मुरादाबाद में नहीं गई थी. ठीक है, ये हमने पढ़ा भी नहीं है और हटा दो. हैदराबाद, सिकंदराबाद और जम्मू कश्मीर. तो सिकंदराबाद, हैदराबाद, जम्मू, सिकंदराबाद को हटा दो इसमें से. तो इन दोनों में तो गई थी लेकिन इसमें नहीं थी. हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये लगभग सही है. जम्मू कश्मीर जूनागढ़ ये ज्यादा सही लग रहा है ना, ये ज्यादा सही लग रहा है. हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इन स्टेट्स को इंटीग्रेट करवाने में प्रॉब्लम गई थी. ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद में, तीनों स्टेट इंडिपेंडेंस के बाद में ही इंडिया में इंटीग्रेट होते हैं. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अगला सवाल देखिए क्या है. Which country violated Panchseal by attacking India? ठीक है, तो Panchseal agreement, प्रीमियर जो चाइनीज प्रीमियर थे जोहू इनलाई, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू के बीच में Panchseal agreement साइन होता है, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें पीसफुल को एग्जिस्टेंस पर विश्वास रखा जाता है कि भाई देखो भाई क्या है कि आप भी आराम से रहो, हम भी आराम से रहें, एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे हम, एक दूसरे की मतलब जो पांच प्रिंसिपल्स पर साइन किया गया है कि हम पीसफुली को एग्जिस्ट करेंगे, इंटरनल मैटर्स में क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें. ठीक है, तो अब क्या है कि चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था, क्या बोल के, कि वी हैव वायलेटेड पंचशील एग्रीमेंट बाय गिविंग असाइलम टू दलाई लामा. ठीक है, तो जो 1954 आई गेस, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1954 में ही पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है, और पंचशील एग्रीमेंट के वायलेशन का हवाला देते हुए चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया. ठीक है, तो यहां पे चाइना इज दी कंट्री. ठीक है, विच कंट्री वायलेटेड पंचशील बाय अटैकिंग इंडिया? और इनफैक्ट जैसे देखा जाए तो अटैक करके वायलेट किया उन्होंने पंचशील, और आर्ग्यूमेंट ये दे रहे कि हमने क्या कर दिया, उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर किया. तो वो तो अब अटैक करना था, कर दिया कुछ भी बोल के. तो यहां पे चाइना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, चाइना के साथ हमने पंचशील साइन किया था. अब अगला सवाल क्या है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज, प्लानिंग जो है, प्लानिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्लानिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर समझा जाए तो इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज क्या है? इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, सही बात है. इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये भी सही है. बैलेंस डेवलपमेंट
ऑफ ऑल सेक्टर्स, ये भी सही है। प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी सही है। सेलेक्ट क्या करोगे? अच्छा देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, तो ये तो क्या होगा, प्लानिंग होगी, उसके बाद इंप्रूव होगा, तो इसको हम रेस से बाहर कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी तभी होगा, ठीक है। बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर, सारे सेक्टर का बैलेंस डेवलपमेंट भी तब होगा जब आप प्रॉपरली क्या करोगे, जो आपके पास है नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका सही इस्तेमाल करोगे। तो ये सारी चीजें क्या है, इफेक्ट है, ठीक है, इफेक्ट है, और ये क्या है, एक तरह से आपको वो प्रोसेस है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये रहेगा कि पहले इस प्रोसेस को सही पूरा किया जाए। मतलब क्या है कि आप बहुत अच्छे टॉपर बच्चे बन के निकलो एग्जाम हॉल से, वो कब हो पाएगा, ठीक है, वो रिजल्ट होगा कि आप टॉपर बन गए, वो प्रोसेस फॉलो करोगे तब रिजल्ट आएगा ना। तो प्रोसेस क्या है, यूज ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, और इसके इंपैक्ट में, इसके रिजल्ट में आपको सारी चीजें भी देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, the reorganization of the states on the basis of language had a negative effect, fine, ठीक है, reorganization कर रहे हो language के basis पे, तो positive effect ये है कि जो चिल्ला चोट कर रहे थे कि state बना दो ये वो, administrative efficiency आई, ये सब तो positive effect हो गए। लेकिन when you are reorganizing the states on the basis of language, तो वहाँ पे कुछ negative effects भी देखने को मिले, and what are those negative effects, तो उन्हीं में से आपको, इन्हीं options में से आपको एक वो negative effect ढूंढना है। The concept of power sharing was realized. Yes, when you are reorganizing the states on the basis of language, तो power sharing को कहीं ना कहीं realize कर रहे हो, तो positive हो गया। The principle of variation was accepted. कि हाँ, variation जो है, variation नहीं, uniformity ज़्यादा थी यहाँ पे कि आपने language के basis पर बना दिया। बाकी anyway, this is not a negative effect. Fine. फिर क्या है? Uniform basis was found for the demarcation of. तो ये तो positive था कि बार बार झंझट नहीं है, आपने सबको एक जैसा पैरामीटर पे क्या कर दिया, स्टेट्स बना बना के दे दिए। बाकी नेगेटिव इफेक्ट में जैसे आप देखोगे तो मूवमेंट्स स्टार्टेड, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स स्टार्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सेपरेट स्टेट्स। मतलब ऐसा रहता है ना कि आपने बहुत सारे, आपके बच्चे अगर मान लो, तो आप किसी एक बच्चे को टॉफी दे दी तो बाकी सब भी टॉफी मांगने की जिद करने लगेंगे। वही चीज यहाँ पे होती है कि वंस वी हैव क्रिएटेड द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो मूवमेंट्स स्टार्टेड इन मेनी एरियाज ऑफ द कंट्री डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सेपरेट स्टेट्स। तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट वॉट, मोनार्की। तो इंडिया में क्या आपने किसी मोनार्की को खत्म किया? नहीं। क्या इंडिया में आपने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया? वर्ल्ड वाइड भी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया जा रहा है, तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ो, कम्युनल वायलेंस तो बाद में हुआ, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट के। फिर जैसे अगर आप देखेंगे तो कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, तो डेमोक्रेसी से ज्यादा क्लोज आंसर मुझे ये दिख रहा है, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट, वर्ल्ड वाइड जो कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट, देखो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, अगेंस्ट वर्ड लगाया ना, तो अगेंस्ट किधर लगा है, हाँ, अगेंस्ट वर्ड, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, फॉर लिखा रहता तो हम बोल सकते थे डेमोक्रेसी, अगेंस्ट तो किसके प्रोटेस्ट चल रहा था, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के, ठीक है। तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। समझ में आया ना कि जिस तरह से वर्ल्ड वाइड कॉलोनियलिज्म को, इंपीरियलिज्म को अपोज किया जा रहा था, इंडिया में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट उसी चीज के अगेंस्ट में था, ब्रिटिशर्स को भगाना था। क्लियर हुआ? ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वॉज, ठीक है, प्लानिंग कमीशन रेस्ट इन पीस जो हो गए, तो वो प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन हुआ करते थे, ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन नहीं, नीति आयोग है, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की लेकिन बात करोगे तो वही इंसान आज भी है। प्रेसिडेंट होता है क्या? नहीं, प्रेसिडेंट नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, तो कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है, ध्यान रहेगा, और अब नीति आयोग के। क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रपोजल फॉर नेशन बिल्डिंग गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू इज इनकरेक्ट, ठीक है, नेशन बिल्डिंग के कंटेक्स्ट में जवाहरलाल नेहरू ने कुछ प्रपोजल्स दिए, अब कौन सा प्रपोजल जो है इनकरेक्ट है? सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, जी हाँ, तो सेक्युलरिज्म पे फोकस किया जवाहरलाल नेहरू ने, बोला कि चाहे पार्टीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंडिया विल ऑलवेज होल्ड इट्स सेक्युलर कैरेक्टर, ठीक है, तो फाइन, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सोशलिज्म पे भी फोकस किया, थोड़ा सा टिल्टेशन यूएसएसआर की तरफ देखने को मिला था आपको।
इकोनॉमी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलिज्म. इकोनॉमी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलिज्म, क्या नेशन बिल्डिंग में इस चीज पे ध्यान दिया था? पता नहीं. साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये था. स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात की गई थी. तो इनिशियली कैपिटलिज्म वॉज नॉट, कह सकते हैं, नॉट अ मच डिस्कस्ड डिबेट आइडिया. ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया, उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था. तो इकोनॉमी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलिज्म, ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड की. ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड की. तो ये चीज ध्यान रखना कि उस समय पे इकोनॉमी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलिज्म वॉज नॉट इन मच सपोर्ट. क्लियर हुआ? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, इनकरेक्ट ही पता करना था हमें, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अगला सवाल, फ्रॉम विच स्टेट मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ. मेघालय कौन से स्टेट में से कार्व आउट किया गया? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारे, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ 1972 वाला टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट था, आई गेस. हाँ ठीक है, इसमें आसाम जो था ना, तो आसाम उस समय पे एक बड़ा स्टेट हुआ करता था. आसाम से अलग अलग स्टेट निकाले थे, तो मेघालय की अगर बात करें तो आसाम में से ही निकाला गया. अब यहाँ पे अगर मैं आपसे सवाल थोड़ा घुमा के पूछ दूँ कि चलो बताओ कि ईयर कौन सा था जब यह आसाम से मेघालय निकाला गया, तो ईयर ध्यान है कुछ 1972 इज द राइट आंसर. क्लियर हुआ? तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन 1972 में हुआ एक तरह से देखा जाए तो. 1972 इज द राइट आंसर. फ्रॉम विच स्टेट मेघालय वॉज कार्व्ड आउट? आसाम इज द राइट आंसर. अगला सवाल, द आइडिया ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वॉज ड्रॉन फ्रॉम. जो प्लानिंग का आइडिया इंडिया में वो कहां से उठाया गया? ठीक है, तो द बॉम्बे प्लान. जी हाँ, बॉम्बे प्लान इनफैक्ट एक्टेड एज अ फाउंडेशन फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए, ध्यान करो, इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद बोला क्या कि एक ऐसी प्लानिंग की जाए, प्लानिंग डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए जिसमें इंडस्ट्रीज को स्टेट थोड़ा कंट्रोल करे. ठीक है, तो उस तरह से क्या है, बॉम्बे प्लान वॉज अ इंपॉर्टेंट स्टेप, इंपॉर्टेंट बेंचमार्क. ठीक है, अ वॉटरशेड इवेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, इन दी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर कंट्री. क्लियर है? तो यहाँ पे बॉम्बे प्लान से तो हमने कहीं ना कहीं क्या कह सकते हैं कि हमारा प्लानिंग वाला पार्ट ड्रॉ आउट हुआ था. गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी, तो जिस तरह से गांधी जी चाहते थे कि रूरल डेवलपमेंट हो, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड हो, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं हमारे प्लानिंग पार्ट में देखने को मिलता है. एक्सपीरियंस ऑफ सोवियत ब्लॉक कंट्रीज, तो सोवियत ब्लॉक कंट्री से भी हमने सीखा है. तो आई थिंक कि तीनों यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, बॉम्बे प्लान भी, गांधीयन विजन ऑफ सोसाइटी भी, एक्सपीरियंस ऑफ सोवियत ब्लॉक कंट्रीज, क्योंकि सोवियत ब्लॉक कंट्रीज जो है उनसे हमने सीखा और उन चीज़ों को अडॉप्ट किया. तो ऑल ऑफ द अबव भी है ही ऑप्शन में, ऑल ऑफ द अबव लगा देते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव शुड बी द राइट आंसर, इनफैक्ट इट इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए. अगला सवाल देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशन. ठीक है, इंडिया इजराइल रिलेशन की अगर हम बात करें तो अब ये इंडिया इजराइल रिलेशन हमें कहां से मिल रहा है? इंडिया इजराइल रिलेशन जैसे अगर आप देखोगे तो इंडिया इजराइल रिलेशन जो एडिशनल टॉपिक वाला पार्ट है वहां पे ध्यान रखना थोड़ा सा. तो कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशन? डिप्लोमेटिक रिलेशंस फॉर्मली डेवलप्ड बिटवीन द टू नेशंस आफ्टर द ओपनिंग ऑफ इजराइली एम्बेसी इन इंडिया इन 1992. सही है, ठीक है, तो इजराइली एम्बेसी लेट खुली काफी इंडिया में, इजराइली एम्बेसी 1992 में आई. ठीक है, द रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज स्टार्टेड गेनिंग फर्मनेस इन 1996 एंड 1998 ऑनवर्ड्स. तो रिलेशंस में जो थोड़ा सा कह सकते हैं ना गहराव कब आना स्टार्ट हुआ, 1996 से 1998. इनफैक्ट आप देखोगे तो प्रेजेंट गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में और क्लोजनेस बढ़ी है, उसी कारण से आपके सिलेबस में ऐड हुआ है टॉपिक. ठीक है, तो उस तरह से ये जो दोनों स्टेटमेंट्स आपको क्या पता करना है, करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशन. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में, तुरंत बाद में जैसे आप देखोगे तो क्लोजनेस नहीं थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लीडर्स, ठीक है, दे आर नॉट विलिंग टू हैव क्लोज रिलेशन विद इजराइल. फाइन, लेकिन आप जैसे देखेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों ही क्या है, सही है. तो इजराइली एम्बेसी 1992 में खुल गई, उसके बाद में क्या 1996 से और रिलेशन बढ़ते चले गए. तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इन विच ईयर दलाई लामा केम टू इंडिया? दलाई लामा इंडिया कब आते हैं? दलाई लामा इंडिया कब आते हैं? पंचशील के बाद में, 54 के बाद में. 54 के बाद में मतलब क्या, ये सब तो कैंसिल हो गए, 1998 तो इस समय तक तो बहुत पुराने हो गए थे. ठीक है, अब क्या है, जैसे अगर आप देखोगे तो 1956, एलिमिनेट करके आसानी से याद हो गया मुझे. ठीक है, तो 1956 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला सवाल देखो, एक और क्या है, अगला सवाल ये रहा, विच प्रिंसली स्टेट वॉज सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी? कौन सा ऐसा प्रिंसली स्टेट है जो पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ है?
देखो त्रावणकोर भी क्या था, ये प्रिंसली स्टेट था, लेकिन ये तो कोस्टल एरिया के पास था, हटा दो। हैदराबाद मणिपुर, मणिपुर जो है तो मणिपुर भी एक तरह से देखोगे तो इट इज सराउंडेड बाय, नहीं उधर बाजू में क्या है बर्मा लगा हुआ था म्यांमार, तो ये भी सराउंडेड नहीं, आसाम प्रिंसली स्टेट था नहीं। हैदराबाद, हैदराबाद को जैसे अगर आप देखोगे ना तो बीच में क्या है डेक्कन प्लेटू में एक बीचों बीच आपको प्रिंसली स्टेट देखने को मिल जाएगा। हैदराबाद वॉज अ प्रिंसली स्टेट सराउंडेड एंटायरली बाय द इंडियन टेरिटरी। क्लियर हुआ? ऐसे लॉजिक लगा के बनेगा, ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा, What type of efforts does the cartoon indicate? ये जो कार्टून है ये किस तरह के एफर्ट को दर्शा रहा है, कौन कौन है यहाँ पे? तो देखो द किंग ऑफ मणिपुर, मणिपुर के राजा बैठे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मणिपुर के राजा का नाम पता है कि बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने तो आगे क्वेश्चन सेट किया है लेकिन अभी यहाँ पे रोक के बताओ मणिपुर के राजा हु वॉज द किंग ऑफ, हु वॉज द राजा ऑफ मणिपुर एट दैट टाइम। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, ठीक है राजा महाराजा, जस्ट गिव मी दिस, क्या है ये? तो जैसे कम्युनिकेशन वगैरह डिफेंस इन सारी चीजों को मांग लिया था। ठीक है, तो अब ये क्या दर्शाया जा रहा है, देखो तो टू प्रोवाइड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स को इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं दे रहे थे हम, टू रिजॉल्व प्रिंसली स्टेट्स इशू एंड इट्स इंटीग्रेशन विद इंडियन यूनियन, ये हो सकता है। ठीक है, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी देने की बात करी, टू ग्रांट फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स, फ्रीडम एज सच आजादी नहीं दे रहे कि तुम अलग देश बना लो, तो ठीक है वो तो हम चाहेंगे तो इंटीग्रेशन चाह रहे थे, तो इंटीग्रेशन वाला जो स्टेट है ना, मतलब इंटीग्रेशन वाला जो इशू है वो रिजोल्व करने की बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि आप क्या है, आप अपना इंटरनल मेटल को खुद संभाल लो लेकिन आप पार्ट बन जाओ किसके, इंडियन यूनियन के, ये कार्टून डिपिक्ट करना चाह रहा है। तो ऑप्शन बी इज द मोस्ट appropriate answer for this question, option B is the right answer for this question। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, which model had least supporters in India, किस मॉडल के सबसे कम सपोर्टर है इंडिया में, which model had least supporters in India, USSR, liberal, capitalist, socialist। अब जैसे अगर आप देखोगे तो USSR मॉडल के तो सपोर्टर थे, लिबरल मॉडल के कम सपोर्टर थे USSR से, कैपिटलिस्ट के भी कम थे, सोशलिस्ट के भी कम थे, लेकिन आप स्पेसिफिकली मतलब आज के कंटेक्स्ट में मत समझना, वही इंडिपेंडेंस के टाइम वाले, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के टाइम पीरियड वाले, तो कैपिटलिस्ट मॉडल के सपोर्टर्स उस टाइम पीरियड पे कम थे, कैपिटलिस्ट मॉडल के सपोर्टर कम क्यों थे, क्योंकि अधिकतर आप देखोगे तो इंडिया का जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट था थोड़ा सा टिल्टेड था किस तरफ, सोशलिस्ट USSR मॉडल की तरफ, लिबरल कैपिटलिस्ट के नहीं थे, तो स्पेसिफिकली कैपिटलिस्ट मॉडल के ज्यादा सपोर्टर नहीं थे, ऑप्शन सी इस राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल, ताशकिंद पैक्ट वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ताशकिंद पैक्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो अभी आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एक सवाल डिस्कस किया उसमें मैंने बताया कि इंडिया के बिहाफ में किसने साइन किया था ताशकंद एग्रीमेंट, तो अब ताशकंद एग्रीमेंट में लाल बहादुर शास्त्री ने साइन किया था। ठीक है, अब वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, किस चीज से जुड़ा हुआ, 66 में ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है 1966 में। ठीक, तो 66 में साइन होता है तो ये इससे तो जुड़ा होगा नहीं, पहले तो एग्रीमेंट करोगे नहीं, इंडिया बांग्लादेश एग्रीमेंट था ही नहीं, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है ये सब हो गया, इंडिया चाइना वॉर में ताशकंद का कुछ लेना देना नहीं क्योंकि हमने पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल के साथ में क्या किया था, एग्रीमेंट साइन किया था। तो इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 जिसमें हमने क्या करे थे, पसीने छुड़वा दिए थे पाकिस्तान के, तो उस वॉर को खत्म करने के हिसाब से एग्रीमेंट साइन होता है ताशकंद एग्रीमेंट, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। समझ में आया? तो इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी 1956 का उससे जुड़ा हुआ है ताशकंद पैक्ट। अगला सवाल, द गोल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का गोल क्या है। ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का गोल अगर जैसे देखेंगे तो अपोजिंग इंपीरियलिज्म, कॉलोनिज्म, एक्सप्लोइटेशन एंड हेजेमनी, सही बात है, इंक्रीज इन द मेंबरशिप ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट के नाम में मेंबरशिप बढ़ाई जाए, कॉपरेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स, थी हाँ ये बात भी सही है, हमने यूनाइटेड नेशंस के साथ कॉपरेशन की बात की है, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा ही लग रहा है ना, इंपीरियलिज्म, कॉलोनिज्म, एक्सप्लॉयटेशन, हेजेमनी, इन सारी चीजों को हमने अपोज ही किया है, तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव, ये सबसे क्लोज आंसर दिख रहा है मुझे, सबसे क्लोज क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो दीज आर द गोल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसीज विच आर रिफ्लेक्टेड क्लियरली, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इनफैक्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल इज इनकरेक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल इज इनकरेक्ट, तो ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, सही बात है, हिज रोल वॉज मिनिमल इन नेगोशिएशन विद द प्रिंसली स्टेट्स, गलत, ठीक है, हिज रोल वॉज मैक्सिमम, ठीक है मैक्सिमम लिखा होता तो हम सही बोल देते, हमें गलत ही पता करना है, मिल गया गलत, लेकिन पहले भी ऑप्शन पढ़ लो, और
The role played by him was considered as historic role in negotiating with the rulers of princely states. Yes, for sure. He played a very historic role in negotiating with the princely states. क्यों? क्योंकि उनके इस प्रयास के चलते ही क्या देखने को मिलता है हमें? उनके इस प्रयास के चलते हमें देखने को मिलता है कि आज इंडिया जो आपको एक तरह से देखने को मिल रहा है ना कि कंप्लीट इंडिया वो है, ठीक है? None of the above होगा नहीं, क्योंकि ये आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक मिल गया, ठीक है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अगला सवाल देखिए क्या है. अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी. जवाहरलाल नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी, इनमें से क्या उसका एक पार्ट नहीं है, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी. देखो क्या क्या है. टू प्रिजर्व हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू ज्वाइन दी वेस्टर्न ब्लॉक, ठीक है? तो क्या जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं था? देखो, हार्ड एंड सोवरेनिटी की तो उन्होंने बात करी, और ये क्वेश्चन हमने आगे डिस्कस भी कर लिया, बस उसका फॉर्म बदल दिया, थोड़ा सा फॉर्म बदल दिया. टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करना था, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी फोकस करना था. तो ज्वाइन दी वेस्टर्न ब्लॉक ये तो नहीं करेंगे हम. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में विश्वास रख ही रहे थे, ठीक है? तो उसके चलते क्या हो जाएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन ऑब्जेक्टिव. तो दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है? दिस वॉज एंड आज तो जैसे देखोगे तो आज तो हम क्या है, कोई सा भी ब्लॉक ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उतना सिग्निफिकेंट नहीं रह गया. वर्बली मैं बोल सकता हूं, थियोरेटिकली आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है? तो जैसे अगर आप देखोगे तो दिस वॉज क्लियरली नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है? टू ज्वाइन द वेस्टर्न ब्लॉक. ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. अगला सवाल देखिए क्या है. सिंस द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920, दिस प्रिंसिपल वॉज एक्सेप्टेड दैट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वुड बी ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है? नागपुर सेशन, पुराने नागपुर सेशन की बात करेंगे तो तब से ये बात एक्सेप्ट कर ली थी इंडिपेंडेंस के पहले से, कि भैया जब भी आजाद, ऐसे बोलते ना कि जब भी अपने पास पैसा आएगा तो अपन ये करेंगे, तो उस तरह से क्या, जब भी आजादी मिलेगी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तभी तय कर लिया था आजादी मिलने से पहले. डिस्पाइट दिस द लीडर्स वर अगेंस्ट इट आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज, लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने के बावजूद क्या होता है, मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद पलट गए. कैसे पलट गए? तो यहाँ पे ऐसे पलटे, देखो कारण दिए हैं, कारण आपको आइडेंटिफाई करना है. तो पलटे क्यों? सवाल ये है कि जब आपने बोला था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होगा आजादी के बाद में, लेकिन फिर आपने स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं किया लिंग्विस्टिक बेसिस पे, क्यों नहीं किया? तो कारण क्या हो सकता है? थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. जी हाँ, चीजें बदल गई, बहुत ज्यादा बदल गई. माइट lead to disruption and disintegration, might lead to disruption and disintegration. ये बात भी है, ठीक है, कि independence के बाद reorganization करते हैं तो पहले ही घाव था ताजा ताजा. किस चीज़ का घाव था ताजा ताजा? उन्हें ऐसा लगा था कि यार partition हो गया, अब लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन कर देंगे तो और विभाजन हो जाए, ठीक है? तो ये भी एक पॉइंट था. इट वॉज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट टू गेट इंडिपेंडेंस, कि ये वादा करना झूठ था क्या? पॉलिटिकल स्टंट था? नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है? वादा तो सच बोल के करा था, लेकिन सिचुएशन बदल गई. वी डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ प्लान्ड इकोनॉमी, तो उससे क्या, ठीक है? तो उससे क्या, ठीक है? ये कारण जो है, ये दो रीजन जो है, वन एंड टू दिख रहा है कहीं पे, सो वन एंड टू ओनली आर द रीजन ड्यू टू विच द प्रिंसिपल due to which we can say the principle to reorganize the state on linguistic basis was not accepted, ठीक है? तो यहाँ पे 1 and 2, option C is going to be the right answer. Option C is going to be the right answer. अगला सवाल देखिए क्या है. Which of the following stamp is associated with self-reliance in agriculture? ठीक है? Which of the following stamp is associated with self-reliance in agriculture? Fine. तो अब देखो यहाँ पे क्या है. अब यहाँ पे अगर हम चीज़ों को समझे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प इज एसोसिएटेड विद सेल्फ रिलायंस. ये स्टैम्प कहाँ से है? चैप्टर वन से, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग डेवलपमेंट नहीं, चैलेंजेस वाले. तो अब जैसे इंडिपेंडेंस जब सेलिब्रेट करी गई थी तो ये स्टैम्प लगाए गए थे. अब सवाल ये है कि कौन सा स्टैम्प इसमें जुड़ा हुआ है, किस चीज़ से? सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर से. तो देखो ये तो सेलिब्रेशन हो रहा है रिपब्लिक डे का, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये एडुकेशन से जुड़ा हुआ है. इधर दिख रहा है गेहूं, हल वगैरह, तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ ये वाला स्टैंप है, ठीक है? जो 1950 के रिपब्लिक डे पे इशू किए गए थे. तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर हुआ? अगला सवाल देखो क्या है. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रिंसली स्टेट इज इनकरेक्ट. प्रिंसली स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, वो देखना है आपको. देखो, तो सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. द इंडियन गवर्नमेंट वॉज रेडी टू गिव ऑटोनॉमी टू सम रीजन. सही बात है ये भी. इनकरेक्ट पता करना है हमें. प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर. तो 1/3 लैंड कवर करते थे, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और ये बात भी सही है. इनकरेक्ट क्या है? कुछ नहीं है. नन ऑफ द अबव भी है यहां पे. तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला सवाल देखते हैं. तो डी इज द राइट आंसर. अगला सवाल ये रहा.
what would have been India's position in the world had there been no partition of India? India का partition अगर नहीं हुआ होता तो इंडिया की पोजीशन क्या रहती वर्ल्ड में, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इंडिया वुड हैव बीन अ मच लार्जर नेशन इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल एरिया, सही बात है। इंडिया वुड हैव प्लेड अ मोर वाइटल रोल इन द वर्ल्ड सिनेरियो, दिखती बात है जब हम एक बड़ा नेशन होता, बड़े रिसोर्सेज होते, बड़ी पॉपुलेशन होती, एक बड़ा कह सकते हैं पोजिशन रहता हमारा, एंड वी वुड हैव प्लेड अ मोर इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन द वर्ल्ड सिनेरियो। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पूछा क्या है, ठीक है, हाँ करेक्ट ही बताना है आपको, तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, वेयर डिड पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में भी दिया गया है, पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ किए? तो देखो यहाँ पे नागा हिल्स, कारगिल हिल्स, पटकाई हिल्स, मतलब ये तो हमारे यहाँ इधर होगा नहीं, चिगाई हिल्स की अगर बात करें तो चिगाई हिल्स जो है पाकिस्तान में, वहां पे उन्होंने क्या किया था, अपने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था। तो ऑप्शन बी चिगाई हिल्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल यही है ना। तो वॉट डज द पिक्चर सिग्निफाई, ये पिक्चर कहां से आई बताओ जरा। तो ये पिक्चर जिसे अगर आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे खड़े हैं, जवाहरलाल नेहरू खड़े हैं और लोग क्या गाना थोड़ी ना गा रहे हैं वो, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ क्या कर रहे हैं देखिए, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन मतलब पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद का है, लेकिन हम इसे यहाँ नहीं लगाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम रेड फोर्ट ऑन 15th ऑफ अगस्त 1947 में रेड फोर्ट से वो कह सकते हैं जनता से संवाद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्या, हाँ ये हो सकता है। अभी चारों ऑप्शन पढ़ो, हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन कोलकाता मार्क द एंड ऑफ कम्युनल वायलेंस, नहीं ये तो वो झंडा लहराने वाला था जो हमने आगे डिस्कस किया, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। तो बचा क्या, ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, हु वर द सिग्नेटरीज ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी के सिग्नेटरी कौन थे? तो हु वर द सिग्नेटरीज ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, जवाहरलाल नेहरू एंड जनरल अयूब खान, इंदिरा गांधी एंड परवेश मुशर्रफ। तो इंडस वाटर ट्रीटी तो पहले ही साइन हो गई थी, चरण सिंह, मोहम्मद अली, ये नहीं थे, ठीक है, ऐसे डांगे, बेनजीर भुट्टो, ये भी नहीं थे। अब देखो सिग्नेटरीज की बात होती है, इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको क्या सिखाया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उस कह सकते हैं कि उस तालीम पे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उस टीचिंग पे आगे बढ़ रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन देखो तो उससे जुड़ी थ्योरी जरूर घुमा लिया करो दिन में बाबू, दिन में नहीं दिमाग में, ठीक है। क्यों, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि आप, क्योंकि आप रिविजन वाले फेज में हो ना, हर चीज को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन बार बार यहां नहीं कर सकते, वो मैं कर चुका हूं, तो आप रिवाइज करते चलना। एक और इंपॉर्टेंट चीज एक बार बोल देता हूं यहां पे फिर से, मैं जो अभी ज्वाइन हुए, कल हमारा लाइव सेशन है, कल इन द सेंस कि ये वीडियो अगर आप बाद में देख रहे हो तो मैं तारीख बता देता हूं इसीलिए कि 16 तारीख जो है, 17 को एग्जाम है, 16 को लपक के एक मैराथन दौड़ लगाएंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, और भी जो दुनिया भर के जो डाउट है सब लेके आ जाना आप। तो कल 4 बजे से, मतलब 16 तारीख को 4 बजे से सुहानी शाम से ढलती रात तक लाइव से मैराथन सेशन रहेगा लाइव, तो जिसमें हम और चीजों को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, तो हु आर द सिग्नेटरीज ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी के सिग्नेटरीज की बात की जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी इज आई गेस 1960 में साइन होती है, तो फॉर श्योर जवाहरलाल नेहरू रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इंडस वाटर, चलो एक सवाल अब मैंने दे दिया यहाँ पे आपको, तो जवाहरलाल नेहरू थे और जनरल अयूब खान थे, ठीक है। अब मीडिएट किसने करवाया था, क्योंकि इंडस रिवर ऐसा है ना, इंडिया से बहते हुए जाती है और पाकिस्तान की पूरी लाइफ लाइन है, अगर हम पानी रोक दें तो प्यासे हो जाएंगे सब। तो उसी के चलते क्या है कि मीडिएशन और ये वाटर ट्रीटी आज अच्छे से साइन करवाना, इन सारी चीजों को मीडिएट किसने करवाया था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये बता देना आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से मैं कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आता है उससे जुड़ी हुई थ्योरी दिमाग में घुमा लिया करो। अगला सवाल, तो जवाहरलाल नेहरू एंड जनरल अयूब खान इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, व्हिच मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। तो विच मूवमेंट इन्फ्लुएंस द लिबरेशन मूवमेंट्स ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, तो जैसे सत्याग्रह मूवमेंट ने नो डाउट अफ्रीका को भी क्या दिया है, महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का प्रिंसिपल है इसने बहुत कुछ दिया है वर्ल्ड को, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट ने कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट ने, जैसे ऐसा रहता ना कि हम क्या करते, देखो नॉर्मली दो तरह के लोग होते हैं, एक एग्जाम्पल्स देखते हैं कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और दूसरा एग्जाम्पल सेट करते हैं। सो इंडिया सेट एन एग्जाम्पल, हम इंडियन नेशनल मूवमेंट ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि आजादी ली जा सकती है, एंड इट इन्फ्लुएंस्ड द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट आंसर होगा, विशाल आंध्रा नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं, इंडियन नेशनल मूवमेंट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी हैव, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, How many states and union territories were formed under the State Reorganization Act of 1956?
1956 का स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, कितने स्टेट बने, ये तो शायद हमने डिस्कस कर लिया, 14 स्टेट्स थे, 14 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मैंने बता दिया था क्या वहां पे, तो 6 यूनियन टेरिटरीज, 14 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज 1956 के स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में निकल के आई थी। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, व्हाई डिड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 प्रूव टू बी वेरी पेनफुल। पार्टीशन जो है ना, देखो किसी भी शरीर से आप किसी भी शरीर के अंग को जब आप निकालोगे तो पेनफुल तो रहेगा। ठहर मतलब फिलोसफी में ना जाते हो, इधर आते हैं। तो व्हाई वॉज द पार्टीशन पेनफुल, पार्टीशन पेनफुल क्यों था? द जनरल पब्लिक वॉज इन फेवर ऑफ द पार्टीशन, ये कारण था क्या? द जनरल पब्लिक फेवर में नहीं थी पार्टीशन के बिल्कुल भी। द लीडर्स ऑफ टू कंट्रीज हैंडल्ड इट प्रॉपरली, अगेन नोबडी हैंडल्ड इट प्रॉपरली, इनफैक्ट पार्टीशन वॉज नॉट एट ऑल द नीड ऑफ द आर, लेकिन हुआ, ठीक है, इसी कारण से पेनफुल था। पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, गलत, रिलीजन के बेसिस पे। इट वॉज द लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट अनप्लैंड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज द रीजन वाई पार्टीशन इज कंसिडर्ड एज द पेनफुल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन तीन बाकी ऊपर के एलिमिनेट किए जा सकते हैं आसानी से, तो डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, तो अमंग द फॉलोइंग आर द लीडर्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट की अगर बात करें तो हु अमंग द फॉलोइंग, तो इंडिया फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अफ्रीकन एशियन यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखो यहां से कौन कौन है, कौन कौन लीडर्स थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, गमाल अब्दुल नसीर, मार्शल टीटो, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव होगा कल, मतलब जो आप बुक वन के एमसीक्यूज जो आपने देखे, तो बुक वन के एमसीक्यूज में भी मैंने आपको बताया था, यहां भी बताता हूं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और उसके लीडर्स पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी अगेन अ वेरी कह सकते हैं हाई पॉसिबिलिटी एरिया है। क्यों? क्योंकि ओवरलैप हो रहा है, पार्ट ओवरलैप हो रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में डी, मतलब इसको अच्छे से पढ़ना है, इस क्वेश्चन के लिए डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इनमें से क्या इंडियन फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल नहीं है? द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, न्यूट्रलिटी और नॉन अटैचमेंट, सपोर्ट फॉर आर्ममेंट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस और पंचशील, ठीक है, तो नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखो तो वर्ल्ड पीस की प्रमोशन की बात करते हैं, न्यूट्रलिटी और नॉन अटैचमेंट की हम बात करते हैं, न्यूट्रलिटी और नॉन अटैचमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है, न्यूट्रलिटी, सपोर्ट फॉर आर्मामेंट, जी हाँ, आर्मामेंट, हथियार बनाने का सपोर्ट नहीं करते हम, डिसआर्मामेंट का सपोर्ट करते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की भी बात करते हैं, तो सपोर्ट फॉर आर्मामेंट इज नॉट, ठीक है, नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, वी बिलीव इन डिसआर्मामेंट, ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल, व्हाई वाज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया, तो व्हाई वाज द प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, क्यों किया गया? देखो तो नीति आयोग के द्वारा प्लानिंग कमीशन को इसलिए रिप्लेस किया गया, मोर पुश वॉज रिक्वायर्ड टू कोप विद द प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, द प्लानिंग कमीशन वॉज अनएक्सेप्टेबल बाय पीपल, पीपल को क्या लेना देना, जनता तो भोली है, ठीक है, द प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट डिजायरेबल बाय द लीडर्स, ठीक है, अंडर करंट हो सकते हैं ये, इट वॉज इनएडमिसिबल बाय द पोजिशन, ठीक है, बाय द अपोजिशन, इट वॉज इनएडमिसिबल बाय द अपोजिशन, नहीं ये भी नहीं, ठीक है, तो यहां पर अगर जैसे देखा जाए तो मोर पुश वॉज रिक्वायर्ड टू कोप विद द प्रेसिंग चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। आई थिंक आप कनेक्ट कर पाओगे कि वाई ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, वेयर डिड, ठीक है, वेयर देयर वॉज शार्प डिफरेंसेज, वेयर देयर वॉज शार्प डिफरेंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया, ठीक है, वेयर देयर वर देयर वर शार्प डिफरेंसेज, ठीक है, ये अच्छा, वेयर देयर वर मतलब कहां पर, ठीक है, थोड़ा सा शब्द में कंफ्यूज हो गए, तो वेयर देयर वर शार्प डिफरेंसेज मतलब मणिपुर इंडियन यूनियन में मिले या ना मिले, इस चीज को लेकर एक समय पे, एक जगह पे, एक इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको देखने को मिले, तो वो कौन सी जगह थी, फाइन, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन था, ये सवाल पूछ रहा है, सवाल समझ में आया, तो वेयर देयर वर शार्प डिफरेंसेज ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया, तो इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, इन स्टेट कांग्रेस, इन स्टेट कांग्रेस, इन इंडियन पार्लियामेंट, नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो देखो यहां पे मैं कुछ पोल नहीं खोलूंगा क्योंकि आगे एक और सवाल आएगा, तो इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर जो है ना, वो नहीं चाहती थी कि मणिपुर जो इंडियन यूनियन में मर्ज हो, ठीक है, वो तो हमने क्या किया, राजा जो थे बोधाचंद्र, ठीक है, उन्हें पटा लिया और फिर क्या होता है, मर्जर हो जाता है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर डिफरेंसेस, शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, क्लियर हुआ, तो यहां पे ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा,
चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एक्सप्लेनिंग द इमेज. ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एक्सप्लेनिंग द इमेज. अब देखो यहां पे क्या है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, ये इमेज देख ली. डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी बाय पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है. स्टेट डिमांडिंग लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, नेहरू इन ट्रबल, नन ऑफ द अबव. तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे बी शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि ये जो दिखाया जा रहा है ना, जैसे क्या दिख रहा है, महागुजरात की बात की जा रही, संयुक्त कर्नाटका की बात की जा रही है. तो जवाहरलाल नेहरू जो है उनके सामने क्या है, सारे स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि भैया सबको लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज किया जाए. ठीक है, तो ऑप्शन बी, स्टेट्स डिमांडिंग लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं. अगला सवाल ये रहा, विच टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट डिड इंडिया फॉलो. ठीक है, विच टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट डिड इंडिया फॉलो. तो इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो करता है, देखो, लिबरल कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट, लिबरल कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट, लिबरल एंड कैपिटलिस्ट, लिबरल एंड कैपिटलिस्ट नहीं है. ठीक है, मॉडर्न डेवलपमेंट डिड इंडिया फॉलो, तो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं होगा. तो मोस्ट नियरेस्ट आंसर जो है वो है लिबरल कैपिटलिस्ट. तो मतलब कैपिटलिज्म का भी एक हल्का सा आपको टिंच देखने को मिलेगा, सोशलिस्ट मॉडल भी आपको देखने को मिलेगा. तो ऑप्शन ए इज द क्लोजेस्ट आंसर. ठीक है, विच टू मॉडल पूछा, तो दोनों मॉडल इसमें दिख भी रहे हैं. तो लिबरल कैपिटलिस्ट मतलब कैपिटलिज्म में भी हार्ड कोर कैपिटलिज्म पर विश्वास नहीं किया जा रहा है, लिबरल कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर. अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा, वॉट मेजर डिफिकल्टी या फिर डिफिकल्टीज अरोज इन द वे ऑफ पार्टीशन. ठीक है, वॉट मेजर डिफिकल्टीज अरोज इन द वे ऑफ पार्टीशन. देर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी इन द एरियाज ऑफ ब्रिटिश इंडिया. जी हाँ, जैसे आप ब्रिटिश इंडिया को पूरा समझोगे तो उसमें क्या था कि मुस्लिम मेजोरिटी यहां पर भी थी वेस्टर्न पार्ट में, मुस्लिम मेजोरिटी ईस्टर्न पार्ट में बंगाल वाले रीजन में भी थी. क्लियर हो गया, तो देर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया. सही बात है, ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया डिड नॉट वॉन्ट टू बी इन पाकिस्तान. ये बात भी सही है कि जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे, जैसे अब कश्मीर भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था प्रिंसली स्टेट, लेकिन वो मिलना नहीं चाहता था पाकिस्तान में. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था वो भी नहीं मिलना चाहता था, वहां के लीडर जैसे देखोगे खान अब्दुल गफार खान वगैरह नहीं चाहते थे. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है. तो दोनों, वॉट मेजर डिफिकल्टी या डिफिकल्टीज अरोज इन द वे ऑफ पार्टीशन, तो दीज वर द डिफिकल्टीज. ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, अनप्लान्ड था, तो डिवीजन जो हुआ वो बहुत अब्रप्ट हुआ, बहुत सारे लोगों की जाने गई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, माइग्रेशन हुआ. ठीक है, लोगों ने क्राइम को विटनेस किया. तो यहां पे जैसे देखोगे तो बहुत सारी समस्याएं थी इन स्टेटमेंट के हिसाब से, दोनों समस्याएं थी. तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, डी शुड बी द राइट आंसर. अगला सवाल ये रहा, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द पॉलिसी ऑफ यूएस ब्लॉक. What was the nature of the policy of US block? तो US block और USSR वाला block, ठीक है? अब अगर बात की जाए तो हम थोड़ा सा USSR की तरफ tilted रहे, socialist model हमने देखा, ठीक है? Formally तो on paper we were a non-aligned country, लेकिन फिर भी, ठीक है? अब सवाल क्या पूछ रहा है कि US policy वाला जो मतलब nature of the policy of US block, तो US block pro communist नहीं था, pro capitalist था, liberalism भी हो सकता है, लेकिन capitalist और ज्यादा सही रहेगा, pro democratic भी था, तो फंस गए यहाँ पे तो आप. ठीक है, तो यहाँ अगर जैसे देखा जाए तो देखो यहाँ देखा जाए अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो एलिमिनेट इसको कर देंगे हम बिल्कुल. नॉट तो नहीं पूछा, व्हाट वाज द नेचर. ठीक है, तो ये तीनों तो नेचर था, अगर यहाँ पूछ लिया क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए था व्हाट वाज नॉट द नेचर. ठीक है, नॉट द नेचर ऑफ पॉलिसी ऑफ यूएस ब्लॉक, तो नॉट द नेचर में अगर जाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रो कम्युनिस्ट हो जाएगा. ठीक है, प्रो कम्युनिस्ट वॉज नॉट द नेचर. अगर ऐसे भी जाओगे ना, तो ऐसे भी जाओगे तो जो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में क्या है, यूएस पॉलिसी मतलब यूएस ब्लॉक की तरफ कुछ लीडर्स जाना चाह रहे थे, जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर हमने पढ़ा. तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूएस की तरफ क्यों जाना चाह रहे थे, रिश्तेदार थे नहीं, ठीक है, यूएस की तरफ इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि यूएस सीम टू बी मोर डेमोक्रेटिक, प्रो डेमोक्रेटिक था ना वो. तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर सवाल ऐसा भी आ जाता है तो आप प्रो डेमोक्रेटिक के साथ जा सकते हैं, कैपिटलिस्ट तो था लिबरल भी था लेकिन उसके पहले डेमोक्रेटिक था, इसलिए हमारे कुछ लीडर्स की टिल्टेशन थी, ठीक है, ड्यू टू द डेमोक्रेसी. तो यहां पे ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर. ठीक, समझ में आया ना पूरा कहानी इस सवाल से जुड़ी हुई, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर. अगला सवाल, असर्शन रीजन देखिए क्या है. तो असर्शन क्या दिया है, नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. जी हां, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. समझ में आ गया असर्शन, स्टेप वन चेक. ठीक है, असर्शन इज करेक्ट. स्टेप टू पे आते हैं, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. बिल्कुल नहीं, हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. तो रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. ठीक है, ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला सवाल देखिए क्या है, टू प्रोविंसेस which were divided by the partition of India and Pakistan were. तो दो provinces जो India और कह सकते हैं कि
पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे दो प्रोविंस डिवाइड की गई है। तो देखो अभी आपने पढ़ के आया पीछे दो स्टेटमेंट कि देर वर नो सिंगल लैंड एरिया, देर वर नो सिंगल स्ट्रिप वेर दी स्पेसिफिक कम्युनिटी डोमिनेटेड इन मेजोरिटी। तो क्या है, आप यहां देखोगे कि वेस्टर्न पार्ट में भी आपको मेजोरिटी देखने को मिल जाएगी मुस्लिम्स की, ईस्टर्न पार्ट में भी। अब क्या है कि डिवाइड जब करना पड़ा ना, तो पाकिस्तान प्रोविंस जैसा ऐसा था कि वहां मुस्लिम भी थे हिंदू भी थे, तो स्पेसिफिकली जैसे आप देखोगे सिख भी थे। तो क्या होता है कि उसके डिविजन में बड़ी दिक्कत गई थी, टू प्रोविंसेस विच आर डिवाइडेड बाय द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो दो प्रोविंस जो डिवाइड गई, तो पंजाब उनके पास भी, पंजाब हमारे पास भी है, ठीक है। फिर बंगाल की बात करें तो बंगाली स्पीकिंग कल्चर, मतलब बंगाली स्पीकिंग लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज स्पीकिंग, ठीक है, बंगाली कल्चर वाले जो लोग हैं वो बांग्लादेश में भी गए, इंडिया में भी रहे। तो इस तरह से क्या है, पंजाब एंड बंगाल वर दी प्रोविंसेस विच वर डिवाइडेड ड्यूरिंग दी पार्टीशन। तो पंजाब एंड बंगाल मतलब ऑप्शन ए, पंजाब एंड बंगाल ऑप्शन ए में मिल गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, वाई जे सी कुमरप्पा सपोर्टेड द प्लान ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है। तो अब जैसे इंडस्ट्रीज वर्सेस एग्रीकल्चर वाली डिबेट जो है आपके प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में जब वो डिबेट को आप पढ़ते हैं, तो उसमें क्या देखने को मिला आपको कि जब प्लानिंग की बात हो रही थी तो कुछ लीडर्स ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि पहले रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए, कुछ लीडर ऐसे थे जिन्होंने बोला कि नहीं जो क्या कह सकते हैं कि रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ठीक है। तो वही है कि जेसी कमरप्पा एक लीडर थे जिन्होंने किस चीज को सपोर्ट किया, ही सपोर्टेड द प्लान ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज मतलब ही वॉज द गांधीयन, और उन्होंने अपनी गांधीयन फिलोसॉफी लगाते हुए क्या बोला कि ग्रास रूट डेवलपमेंट हो तो आप रूरल लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन लाओ, ठीक है। तो क्यों बात की उन्होंने, तो वाई जेसी कमरप्पा सपोर्टेड द प्लान ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रूरल एरिया, तो फॉर द ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट, सही बात है, ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट, टू हेल्प द पुअर, सही बात है, टू एस्केप द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, टू बूस्ट अप द इकोनॉमी, चारों सही है, चारों सही है, नीचे ऑप्शन कहीं दिए ही नहीं, ऑल ऑफ द अबव। तो अब इसमें क्या लगाओगे, अब जैसे आप एनसीईआरटी के द्वारा जाओगे ना, तो एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा है क्या कि जो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है उसको खत्म करने के लिए इस तरह के प्लान को मतलब एक तरह से फोरफ्रंट में लाया गया था, और कुछ लोग एग्री कर, कुछ लोगों का ये कहना था कि ये प्लान इस तरह के विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को नहीं तोड़ पाएगा। तो इफ वी आर गोइंग बाय द एनसीईआरटी, तो यू विल फाइंड दिस लाइन इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो फॉर द ग्राउंड ऑफ मतलब सारी चीजें, लेकिन मोस्ट क्लोजेस्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो इस क्वेश्चन में आपको मिल रहा है वो ऑप्शन सी मिल रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा, द पॉलिटिकल पार्टी विच फर्स्ट टॉक अबाउट द टू नेशन थ्योरी वॉस, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी जिसने टू नेशन थ्योरी को थोड़ा पुश दिया वो कौन थी, कांग्रेस, नहीं कांग्रेस नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं उस टाइम पे, मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग वॉज द पार्टी, ठीक है, मुस्लिम लीग वॉज द पार्टी एट दैट टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन डी मुस्लिम लीग इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा, विच प्लेटू ऑफ द सेंट्रल एशियन रीजन कॉज मेजर इशू दैट हिस्टोरिकली कॉज टेंशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में सेंट्रल एशियन रीजन का ऐसा कौन सा प्लेटू है जिसने टेंशन क्रिएट किए, तिब्बत, मेघालय, मणिपुर, मैसूर, ठीक है। तो देखो अब मैसूर तो सेंट्रल एशिया में गया नहीं, सेंट्रल एशिया में जैसे अगर आप देखोगे तो तिब्बतन प्लेटू जो है ना, और तिब्बत को लेकर ही क्या है पूरी लड़ाई हुई, दलाई लामा पंचशील एग्रीमेंट का वायलेशन और पूरी कहानी आगे की। तो तिब्बत इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तिब्बत शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, तिब्बत है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये रहा, What does this picture capture? ठीक है, ये पिक्चर जो है ये क्या कैप्चर कर रही है, तो इस पिक्चर को जैसे देखोगे आप, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ट्रेन है, लोग बैठे हुए हैं, अंदर भी ऊपर भी नीचे भी सभी जगह लोग ही लोग हैं। तो अब ये पिक्चर क्या कैप्चर कर रही है, माइग्रेशन ऑफ पीपल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, डिमांड फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बिल्कुल नहीं, ठीक है, पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हाँ पुअर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हो सकता है, बॉम्बे रेलवे ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। तो देखो यहाँ पे भावनाओं में नहीं जाना है, आप जैसे देखोगे तो ये क्या है, पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को दर्शा नहीं रहा है, ऑप्शन जरूर ऐसा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, पिक्चर किस टाइम का है, तो जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के टाइम लोग जाने के लिए ट्रेनों में जगह नहीं थी, तो ऊपर चढ़ चढ़ के खिड़कियों में घुस घुस के गए, ठीक है। तो माइग्रेशन ऑफ पीपल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट डज दिस पिक्चर कैप्चर, तो दिस पिक्चर कैप्चर्स द ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा, नीति आयोग सर्व्स एज अ थिंक टैंक टू प्रमोट डैश फेडरेशन वेयर गवर्नमेंट एक्ट्स एज डैश एक्ट्स एज डैश विथ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, विथ एक्ट एज ए इधर आना चाहिए ना, एक्ट एज, वही तो मैं सोच रहा हूं कि यहां कहां से अजीब सा लग रहा है स्टेटमेंट, अब पढ़ो फिर से जरा, नीति आयोग सर्व्स एज अ थिंक टैंक टू प्रमोट डैश फेडरेशन, ठीक है, वेयर गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ डैश विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नीति आयोग का काम क्या है, नीति आयोग एक तरह से क्या कर रहा है, थिंक टैंक का काम कर रहा है, विचार दे रहा है अपने, ठीक है, अपने आउट इनपुट दे रहा है, जिससे क्या हो सके
किस तरह का फेडरेशन बन सके, कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, कंपेरेटिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोरिलेटेड भी नहीं होना चाहिए, कॉपरेटिव फेडरेशन, ठीक है, मतलब कि आपस में स्टेट्स कॉपरेट करके चले, ऐसी प्लानिंग करो कि कोई बोले ना कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, तो कॉपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, कॉपरेटिव फेडरलिज्म इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नीति आयोग सर्व्स एज अ थिंक टैंक टू प्रमोट कॉपरेटिव फेडरेशन, ठीक है, वेयर गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ डैश, ठीक है, गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर की तरह काम करती है, तो वेयर गवर्नमेंट एक्ट्स as a facilitator with the help of technology, facilitator with the help of technology मतलब क्या है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, नीति आयोग ने जो इनपुट दिया उस पर काम करेगी, अपनी टेक्नोलॉजी अपना रिसोर्सेज लगाएगी, तो ऑप्शन सी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, विच पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, विच पॉलिटिकल पार्टीज वॉन्टेड इंडिया टू फॉलो अ प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी। देखो मैंने आपको बताया ना कुछ लीडर्स थे जैसे बी आर अंबेडकर, लीडर्स के साथ साथ में पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो सी राजा गोपालाचारी वगैरह ध्यान आए कुछ, तो यहां पे विच पॉलिटिकल पार्टीज वांटेड इंडिया टू फॉलो अ प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी, भारतीय जनसंघ थी, स्वतंत्र पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, बोथ एंड भी थी। तो देखो यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो अपना स्टैंड ले लिया था, थोड़ा सा प्रो कह सकते हैं कि सोवियत यूएसएसआर वाला ट्रीट दिखाया था, लेकिन पार्टीज सच एज भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, ये कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो चाह रही थी कि हम थोड़ा सा प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी का एलिमेंट डालें, लेकिन वही वाली बात है कि जो डोमिनेट कर रहे थे उस समय पे तो कांग्रेस पार्टी थी, एंड कांग्रेस पार्टी वाज फेवरिंग दी प्रो यूएसएसआर अप्रोच, ठीक है। तो यहां पे बोथ ए एंड बी, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, दोनों ऐसी पार्टी थी जो प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी की बात करती, तो ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेट अफेयर्स इन 1971, ठीक है, 1971 का जो साल रहा बड़ा उथल पुथल वाला रहा, ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो पार्टीशन हो रहा है किसका, मतलब वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और अलग हो गए, लड़ाई हो रही है उस समय पे चाइना के साथ में, वर्ल्ड अफेयर को अगर आप समझोगे तो वर्ल्ड वाइड भी क्या हो रहा था, रियलाइनमेंट देखने को मिल रहा था, तो उस कंटेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दिए, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेट अफेयर्स इन 1971, ठीक है, तो थ्रू आउट 1971 इंडिया हैड टू बियर अ बर्डन ऑफ अबाउट 80 लाख, ठीक है, रेफ्यूजीज हु फ्लेड फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड टुक शेल्टर इन इंडिया, तो बांग्लादेश से लोग कहां माइग्रेट करके इंडिया में, सही बात है, ठीक है, वहां क्योंकि नरसंहार चल रहा था, मारा पीटी चल रही थी, तो लोग हमारे यहां आए, ये बात बिल्कुल सही है। यूएस चाइना रीअप्रोचमेंट हैड रिजल्टेड इन रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेज इन एशिया, अब एशिया में भी क्या है, जैसे वो एक कार्टून था ना हमने बुक वन के, उसमें भी डिस्कस किया था वो कार्टून, जिसमें क्या हो रहा है कि जैसे आप देखेंगे तो यूएस और यूएसएसआर के दोनों ही लीडर लियोनार्ड ब्रेजनेव और निक्सन बैठे हुए, पीछे से चाइना जो है तो हैंड किस कर रहा है, ठीक है, तो वो वाला कार्टून जो दर्शाता है क्या है कि यहाँ पे रीअप्रोचमेंट आपको देखने को मिल रहा था, यूएस और चाइना पास आ रहे थे, ठीक है, तो एशिया में क्या हो रहा था, एक तरह से पूरा रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेज आपको देखने को मिल रहा था, ये बात भी सही है। फिर क्या है, हेनरी किसिंजर, ठीक है, हेनरी किसिंजर द एडवाइसर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन मेड अ सीक्रेट विजिट टू चाइना वाया पाकिस्तान इन जुलाई 71, ये बात भी सही है। तो ये सारी चीजें जो है ना, सारी ही चीजें सही हैं अबाउट द स्टेट अफेयर्स इन 1971 में ये सारी चीजें हो रही थी। आपको पता क्या करना है, नॉट ट्रू पता करना है, नॉट ट्रू में तो क्या है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, तो डी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा, नेम द प्रिंसली स्टेट टू विच राजा हरि सिंह वॉज एसोसिएटेड, प्रिंसली स्टेट का नाम बताओ जिससे राजा हरि सिंह जुड़े हुए हैं, तो नेम दी प्रिंसली स्टेट टू विच राजा हरि सिंह वॉज एसोसिएटेड, कौन सा प्रिंसली स्टेट था, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, त्रावणकोर, तो कश्मीर, ठीक है, राजा हरि सिंह वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, राजा हरि सिंह इंडिया के साथ में साइन करते कि भैया पाकिस्तान के लोग घुस जाएंगे जल्दी से, आप कश्मीर को जोड़ दो इंडिया के साथ में, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हरि सिंह ने साइन किया था इंडियन यूनियन के साथ में, तो ऑप्शन बी कश्मीर इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, हु forcefully articulated the case for keeping agriculture at the center of planning for India, ठीक है, जब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा था तो अलग अलग लीडर थे, अलग अलग लीडर के अलग अलग ओपिनियन थे, जैसे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात किसने की, अभी आपने देखा जेसी कुमारप्पा ने, ठीक है, तो वैसे ही और भी लीडर्स थे जो प्लानिंग में, वही एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्री वाली डिबेट वाला पार्ट से क्वेश्चन आया है कि जो जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात चल रही थी कि आप किस पे फोकस करोगे, तो कुछ लीडर ऐसे भी थे हु फोर्सफुली आर्टिकुलेटेड द केस फॉर कीपिंग एग्रीकल्चर एट द सेंटर, मतलब एग्रीकल्चर को आप सेंटर में रखो व्हेन यू आर डूइंग प्लानिंग एग्रीकल्चरल, या फिर कह सकते हैं कि कौन एक ऐसे किसान नेता थे इनमें से, देखो ना नाम, सलीम अली, राजेंद्र सिंह, जावेद पाइंग, ठीक है, और चौधरी चरण सिंह, तो आपको क्या लगता है, इनके तो नाम नहीं सुने होंगे आपने भी, ठीक है, राजेंद्र सिंह भी अलग नाम हो गया, एक राजेंद्र प्रसाद रहता तो सुना होता,
चौधरी चरण सिंह अगर बात की जाए, चौधरी चरण सिंह ऐसे लीडर थे जिन्होंने क्या है, जिन्होंने बात करी क्या कि इफ यू आर प्लानिंग, इफ यू आर मेकिंग ए प्लान फॉर द कंट्री, तो उसमें आपको एग्रीकल्चर को सेंटर में रखना चाहिए, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह वॉज द लीडर, क्लियर हुआ। और ये एक देख सकते एक फार्मर लीडर भी थे, ठीक है। अगला सवाल देखो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हु वॉज द ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमानेंसी एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के एक मेंबर भी थे, साथ ही साथ इन्होंने बुक लिखी कौन सी, ऑथर ऑफ मतलब he was the author of economy of permanency। तो कौन थे ये, अभी बताया मैंने, शायद हिंट दे दिया था आपको कुछ। तो जेसी कमरप्पा, के एन रॉय, पीसी महालोनोबिस, डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार हटा दो, ठीक है, ऑप्शन कम पड़ गए थे इसके लिए डाल दिया। अब क्या बचा है यहाँ पे, तो जेसी कमरप्पा, जेसी कमरप्पा वॉज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमी ऑफ परमानेंसी, ठीक है, ध्यान रहेगा, जिन्होंने रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की थी। अगला सवाल देखिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, When was first nuclear explosion undertaken by India? इंडिया के द्वारा पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कब किया गया? पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की अगर हम बात करें तो देखो, पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहाँ हुआ, तो जैसे पाकिस्तान का चिगाई हिल्स में हुआ, हमारा कहाँ हुआ था, पोखरण, ठीक है, पोखरण मूवी देखी आपने। अब ये हुआ कब था, तो इसमें अगर देखेंगे तो 1998 में तो दूसरा हो गया था, और 64 इस समय तक हम न्यूक्लियर वेपन बने नहीं थे, ठीक है, अक्टूबर 68 ये भी टाइम नहीं था, बचा क्या, मई 74 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा, ड्यूरिंग द नेहरू एरा Why did some political parties and groups in our country believe that India should be more friendly with the bloc led by the US? ठीक है, तो जब नेहरू एरा था, जो नेहरू के टाइम पीरियड की अगर बात करें, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे स्वतंत्र पार्टी हो गया, ठीक है, वो अभी पढ़ा हमने, ठीक है, और लीडर्स सच एज B.R. अम्बेडकर वगैरह हो गए। तो why did some political parties and groups in country believe that India should be more friendly with the bloc led by US? US की तरफ क्यों tiltation की बात की गई थी? Because the US bloc claimed to be pro-democratic and promoted capitalism. Because the US bloc claimed to be pro-democratic and promoted capitalism. सही बात है ये, ठीक है, pro-democratic था और capitalism को promote करता था। US always favored India, नहीं ये बात गलत थी, इस कारण से नहीं। US supported India in all its policy, नहीं। The US was very close to India, ये भी नहीं था। लेकिन capitalism और कहीं ना कहीं capitalism से पहले democratic nature जो था, इसी के चलते क्या है कि कुछ leader का ये opinion था कि थोड़ा सा झुकाव उस तरफ कर दो ना, ठीक है। तो option A should be the right answer for this question. Option A should be the right answer. अगला सवाल देखिए क्या है, तो There was no way these two parts could be joined. For which of the below this sentence is meant to be? अच्छे से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, शायद चक्री लग जाए सिर में, ठीक है, मतलब घूम सकता है। तो there was no way these two parts could be joined. कोई रास्ता नहीं था कि दो parts को join किया जा सके। ये किस संदर्भ में लिखा गया है? तो there were two areas of concentration, one in the west and one in the east during the partition. There were two belts in the There were two belts, one in the north and another in the west during the partition. There were two areas within the borders of modern India. There were two areas within the border of India. There was no way to these groups can be joined. ठीक है? There were two areas within the borders of modern Pakistan. ये हटा दो, ये हटा दो। अब बात बची यहाँ दोनों पे, ठीक है, तो मतलब ये इंडिया और पाकिस्तान के जो कह सकते हैं कि पार्टीशन के टाइम पीरियड में जैसे देखा जा रहा है, तो उस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पार्टीशन इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो वेज दीज टू पार्ट्स कुड बी जॉइंड। तो दीज टू पार्ट्स किसके लिए लिखा जा रहा पता है, कि एक वेस्टर्न पार्ट और एक ईस्टर्न पार्ट जो था ना, मतलब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, अब इनको कैसे जोड़ोगे बीच में से, ठीक है, चिपका थोड़ी दोगे, तो यहाँ पे बीच में पूरा का पूरा इंडिया है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया है। तो देयर वॉज नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी जॉइंड फॉर विच ऑफ दी बिलो दिस सेंटेंस इज मेंट टू बी। तो ये स्टेटमेंट इस कंटेक्स्ट में है कि देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में, ठीक है, ये अलग अलग क्यों हो गया, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट बोल रहे हैं। तो यहां पे इस हिसाब से ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, ए सही जवाब है, और ये रहा अगला सवाल, इंडिया इज कमिटेड टू एंश्योरिंग इट्स मेंबरशिप इन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG एंड अपोजिंग पार्टीशन एंड अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटीज लाइक वॉट, ठीक है, ये सवाल है। अब देखो, अच्छा सवाल है ये, कहाँ से आया है सवाल, तो ये सवाल जैसे अगर आप देखेंगे कहाँ से आया, तो आपका जो इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी वाला लास्ट टॉपिक है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है, उसमें एडिशनल टॉपिक वगैरह भी है। तो वहां जैसे देखोगे ना, इंडिया इज कमिटेड टू एंश्योरिंग इट्स मेंबरशिप इन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में हमें सामान मिल जाएगा, तो हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और एक्सपेंड कर पाएंगे, ठीक है, हम चाहते हैं मेंबरशिप, लेकिन साथ ही साथ हम अपोज करते हैं कुछ पार्टीशन और कुछ अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटीज को, सच एज वॉट। तो जैसे आप देखोगे सॉल्ट वन एंड सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल कोई ट्रीटी नहीं है,
ऐसे एलिमिनेट कर दो, ठीक है। सॉल्ट एंड एनपीटी, एनपीटी क्या, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी इसीलिए नहीं है क्योंकि हम उसे क्या बोलते हैं, अनजस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरह से कि ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसके चलते आप क्या देख रहे हो, जिसके चलते आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, तो वी आर अपोजिंग दिस ट्रीटी। सॉल्ट एंड स्टार्ट, सॉल्ट एंड स्टार्ट भी अगेन क्या है कि ये इन्हें भी हम साइन नहीं कर रहे हैं। सीटीबीटी मतलब सॉल्ट एंड स्टार्ट के कारण नहीं है, ये अनजस्ट और वो नहीं है, लेकिन सीटीबीटी और एनपीटी की अगर बात करो जिसमें आप क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों को बनाने से रोक दे रहे हैं, दूसरे देशों के ऊपर क्या है टेस्टिंग का बैन लगा दे रहे हैं, तो ये अनजस्ट है, ये पार्टीशन है, ठीक है। मतलब कुछ लोग करेंगे और हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो इस कारण से इंडिया इज अपोजिंग पार्टीशन एंड अनजस्ट ट्रीटीज लाइक सीटीबीटी एंड एनपीटी, लेकिन स्टिल हम क्या बोलते हैं कि वी आर ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, ठीक है, जिसके चलते हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की डिमांड कर रहे हैं कि हमें इस पे मेंबरशिप दे दो। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, डैश एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के थिंक टैंक की तरह काम कौन करता है, नीति आयोग, योजना आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये तो आपको याद हो गया, बहुत बार पढ़ लिया हमने। नीति आयोग जो, नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज नीति आयोग के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए इसमें, है ना। चलो एग्जाम में आना चाहिए, उम्मीद तो यही है पूरी भर के कि आएंगे। अगला सवाल देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मेकिंग फाइव ईयर प्लान्स। फाइव ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं, तो फाइव ईयर प्लान्स जो बनाए जाते थे उनके एडवांटेज क्या होते, देखो। तो इट कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड, कैन बी मॉडिफाइड इजिली, नो प्रायोरिटी इज नीडेड। क्यों नहीं, प्रायोरिटी भी सब बनाना पड़ता है, ऐसे कैसे बदल दोगे, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे डी ऑप्शन जो है ना, तो गवर्नमेंट कैन मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो जब आप पांच साल की सोच के चलते हो, आज अगर मैं सोचूंगा कि पांच साल बाद मुझे कहां जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म विजन रख सकते हो अपना, आगे समझ में। तो आप अपना लॉन्ग टर्म विजन रख सकते हो, तो गवर्नमेंट कैन मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन दी इकोनॉमी। गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इन्वेस्टमेंट बना सकती है, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से चीजों को समझ सकती है। तो गवर्नमेंट कैन मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है, तो वाई वॉज द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज रिव्यूड एंड चेंज्ड। तो द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज की अगर हम बात करें, तो उसे क्यों रिव्यू किया गया, क्यों चेंज किया गया, ये पूछा गया है। तो वाई वॉज द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज रिव्यूड एंड चेंज्ड। तो इंडिया इज नॉट अ पीस ओरिएंटेड नेशन एनी मोर, इंडिया वॉन्ट्स टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडियाज रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी इज पैरामाउंट, ऑल ऑफ दीज। तो हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि नो फर्स्ट यूज का हमने जो वादा किया वो हमेशा रखेंगे, हम चेंज भी कर सकते हैं। मतलब नो फर्स्ट यूज में क्या है कि जब तक हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा हम नहीं अटैक करेंगे, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम उसे भी बदल सकते हैं, हम पहले भी अटैक कर सकते हैं, डरा क्यों रहे हैं। तो इंडिया इज नॉट अ पीस ओरिएंटेड नेशन एनीमोर, नहीं नहीं ऐसा है, शांति में विश्वास रखते हैं, वी आर द लैंड ऑफ बुद्धा, ठीक है, हम शांति में विश्वास रखते हैं। इंडिया वॉन्ट्स टू बी परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो उससे क्या होगा, जब आप नो फर्स्ट यूज को हटा दोगे तो ऐसा थोड़ी ना कि न्यूक्लियर वेपन लेके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट नहीं देंगे तो मार देंगे न्यूक्लियर वेपन खींच के, नहीं ये भी नहीं है। तो इंडिया वांट्स टू बी परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जी हाँ, लेकिन उससे नो फर्स्ट यूज का कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी पैरामाउंट, जी हाँ, आप रीजनल लेवल पे देखोगे तो हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, उसके चलते क्या है, उसके चलते वी कैन लुक इनटू द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ठीक है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में हम सोच सकते हैं इस बारे में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, विच वॉज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, नेशनल इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट भी प्रॉब्लम थी, पॉपुलेशन भी प्रॉब्लम थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, लेकिन उससे बड़ा था नेशनल इंटीग्रेशन। जब इंडिपेंडेंस मिली तो स्टेट्स को कंसोलिडेट करके रखना, कोई भागे ना इधर उधर, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो नेशनल इंटीग्रेशन वॉज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए गया, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वॉज नॉट अडॉप्टेड बाई द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वॉज नॉट अडॉप्टेड बाई द इंडियन गवर्नमेंट टू परस्यू द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या है, कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया था इंडियन गवर्नमेंट ने टू परस्यू द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट बाय रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशंस, बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, बाय डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन। अब यहां देखो क्या है, नॉट अडॉप्टेड, क्या अडॉप्ट नहीं किया था, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट तो हमने अडॉप्ट किया था पीसफुल वर्ल्ड के लिए,
कोल्ड वॉर टेंशंस को भी हमने क्या किया, रिड्यूस करने की कोशिश की बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ये भी हमने काम किया कि भैया यूएन पीस कीपिंग फोर्स में हमारे लोग जाएं ताकि शांति बनी रहे, बाय डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स। अब देखो ये कॉन्ट्राडिक्टी हो गया ना, न्यूक्लियर वेपन बना लोगे तो शांति कैसी रह जाएगी, लेकिन फिर भी बनाए हमने। इसका मतलब ये नहीं कि हम वर्ल्ड पीस में नहीं चाहते थे, हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर एक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ये आपको बोलना है और लिखना है हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इनफैक्ट वी डिड, ठीक है, मतलब हमने उस तरह से, ऐसा नहीं है कि कोरिया की तरह न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास, नॉर्थ कोरिया की तरह तो हर कहीं फोड़ा करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है, हु वांटेड द मर्जर ऑफ मणिपुर विथ द इंडियन यूनियन। अच्छा सवाल है, देखो तो कौन मर्जर नहीं चाहता था, तो आपने देखा दी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, वो आपने देख लिया। अब कौन चाहता था मर्जर, कौन मर्जर चाहता था, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्टेट कांग्रेस, भारतीय जनसंघ। तो वो जो मणिपुर स्टेट कांग्रेस थी ना, मणिपुर स्टेट कांग्रेस क्या चाहती थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब इंडियन यूनियन जो है उसके अंदर मणिपुर का मर्जर हो जाए, फाइन। तो यहाँ पे स्टेट कांग्रेस जो है मणिपुर की, मणिपुर में देखो इंडिपेंडेंस मतलब जो कंट्री में जो चुनाव हुए थे पहले, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, उससे पहले इलेक्शन हो गया था, वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं चाहती थी, लेकिन वहां पे जो स्टेट कांग्रेस थी, मणिपुर स्टेट कांग्रेस, वो चाहती थी, और उसी के चलते क्या हमने एक तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन कर लिया था राजा के साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, ये राजा का क्वेश्चन आ गया ना, एक और क्या है देखो अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बोधा चंद्र सिंह, ठीक है, वाज द रूलर ऑफ मणिपुर, जी हाँ सही है, मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जी हाँ, तो इट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया, क्यों, क्योंकि इंडिया में जब इलेक्शन नहीं हुए थे 51 से पहले ही यहाँ पे चुनाव हो गए थे, ठीक है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर साइन द मर्जर एग्रीमेंट विद द इंडियन यूनियन इन सेप्टेंबर 1949 में मर्जर एग्रीमेंट साइन हो गया था, ये बात भी सही है। तो कौन से स्टेटमेंट सही है, देखो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, तो यहां पे ऑल ऑफ द अबव है, कहीं पे 1, 2, 3 है, लेकिन जितने लोगों ने 1, 2, 3 लगा दिया गलत किया आपने, क्यों, क्योंकि यहां क्या लिखा है, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, लेजिस्लेटिव असेंबली ने साइन नहीं किया मर्जर का एग्रीमेंट, मर्जर का एग्रीमेंट क्योंकि प्रिंसली स्टेट था तो कौन साइन करेगा, राजा, ठीक है। तो जो किंग था ना, तो किंग, द किंग ऑफ मणिपुर, द किंग ऑफ मणिपुर बोधा चंद्र सिंह, ठीक है, द रूलर ऑफ मणिपुर, यहां रूलर ऑफ मणिपुर आना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट सही होता, तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 कहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है 1 और 2, ठीक है, ये 1 और 2 शुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर हुआ। अगला सवाल देखिए क्या है, तो हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, इसराइल के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, तो आइजेक हर्जोग, ठीक है, आइजेक हर्जोग, नफ्ताली बेनेट, या यत्जाक रेबिन, पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, यत्जाक रेबिन, ठीक है, यत्जाक रेबिन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ओवर देयर, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लीडर है यहाँ के, आइजेक हर्जोग तो शायद प्रेसिडेंट है और अभी के समय, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू तो पहले थे प्राइम मिनिस्टर, अब हमें क्या पता करना है, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, ठीक है, तो यत्जाक रेबिन भी नहीं है, नफ्ताली बेनेट, ठीक है, नफ्ताली बेनेट इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन मैंने बस यूं ही लगा दिया आप लोगों के लिए, इसराइल को थोड़ा ध्यान में देके जाना, फेवरेट पार्ट हो जाता है, और जिस तरह से सैंपल पेपर आया ना, देखो मेरे प्रेडिक्शन जो रहेंगे वो सैंपल पेपर पर बेस्ड रहेंगे थोड़े से, क्योंकि जैसा सैंपल पेपर दिया शायद वैसा ही कुछ पेपर आएगा हमारा, ठीक है, तो एडिशनल टॉपिक्स को छोड़ना नहीं। तो हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, तो नफ्ताली बेनेट इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा, What was the impact of Indo-China conflict on the opposition parties? Opposition parties के ऊपर Indo-China conflict जो हुआ 62 का जो Indo-China conflict था उसका क्या impact रहा? The CPI, Communist Party of India, which was in favor of Soviet Union, ठीक है, grew closer with the Congress. अच्छी बात है, समझते हैं इसको, रुको। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रोक अप इन 1964-63, गलत है, 64 में, क्योंकि स्प्लिट हुआ था ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, तो उसमें से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट निकल के आ गई थी, जिसको बाद में बैन कर दिया गया था, चाइना का सपोर्ट करती थी ये पार्टी, ठीक है। फिर क्या है, अल्टर्ड दी लीडर्स ऑफ इंडिया अबाउट द सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट, अलर्टेड दी लीडर्स ऑफ इंडिया अबाउट द सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्ट, हाँ ठीक है, ये बात भी सही है। तो व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट ऑन द अपोजिशन पार्टी, लेकिन ये अपोजिशन पार्टी का क्या हुआ इससे, तो लीडर्स ऑफ इंडिया मतलब, देखो ये स्टेटमेंट सही है कि ये कहीं ना कहीं इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन पूछा क्या ऑन दी अपोजिशन पार्टीज, तो अपोजिशन पार्टीज का इससे कुछ लेना देना नहीं है। नागालैंड वॉज गिवन दी स्टेट स्टेटस, ये बात भी सही है, मतलब बात सही है, लेकिन अपोजिशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, अपोजिशन पार्टीज से। तो अपोजिशन पार्टीज के कंटेक्स्ट में दो स्टेटमेंट है, ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है, नीचे वाला गलत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में जो थोड़े से प्रो सोवियत थे ना, प्रो सोवियत लोगों को ऐसा लगा कि यार चाइना गलत कर रहा है, एग्रेशन हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस समय कांग्रेस का ध्यान देना, कांग्रेस का साथ देना चाहिए। तो चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पार्ट थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंडो चाइना कंफ्लिक्ट। ठीक है, तो ये चेंज था, ये क्या देख सकते हो, ये एक तरह का इंपैक्ट था अपोजिशन पार्टी में। ये फिगर गलत है यहाँ पे, तो ओनली वन दिख रहा है कहीं, ओनली वन दिख रहा है मुझे डी में, ओनली वन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, दिस पिक्चर इज एसोसिएटेड विथ वॉट, ये पिक्चर जो है ठीक है ये किससे जुड़ा हुआ है, देखो जरा क्या हो रहा है पिक्चर में। आप देखोगे तो एक बड़ा सा क्या है जिन है, उसको इसमें घुसाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो अब इस पिक्चर को जैसे देखोगे तो दिस पिक्चर इज एसोसिएटेड विथ पार्टीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जी हाँ, वाटर प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर, नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस भी नहीं है। जैसे आप देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू इज ट्राइंग टू, मतलब जो डिमांड थी ना बहुत बड़ी किस चीज की, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट के थ्रू कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे क्या आ जाएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल ये रहा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो कौन इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के पिताजी की तरह जाने जाते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, प्रीमियर ज़ुहू इनलाई, ये तो चाइना के हैं, दलाई लामा भी नहीं होंगे, ये ऑप्शंस में ही एलिमिनेट करके पता लगा सकते हो। जवाहरलाल नेहरू का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन जैसे आप देखोगे होमी जहांगीर भाभा जो है, ठीक है, एच जे भाभा जो है, ठीक है, तो होमी जहांगीर भाभा वॉज दी पर्सन हु वॉज नोन एज दी फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला सवाल ये देखिए, द मेन रीजन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज वॉज, रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम जो थी इंडिया में उसके पीछे का मेन रीजन क्या था, पार्टीशन ऑफ इंडिया, कम्युनल सेंटीमेंट्स ऑफ मुस्लिम, अपीजमेंट पॉलिसी ऑफ कांग्रेस, ऑल ऑफ द अबव। द मेन रीजन फॉर प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजी वॉज पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है पार्टीशन है, ठीक है, कम्युनल सेंटीमेंट्स ऑफ मुस्लिम तो इससे कारण पार्टीशन हुआ, अपीजमेंट नहीं, ऑल ऑफ द रेफ्यूजी की समस्या पार्टीशन के कारण यही, जब पार्टीशन हुआ तो अब क्या है, एक जगह से दूसरे का बहुत सारे लोग माइग्रेट करके गए, बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, वो एक कह सकते हैं क्या है, मतलब वो डार्केस्ट फेस रहा किस चीज़ का, पार्टीशन का, ठीक है, बहुत सारे रेफ्यूजीज आ गए, तो रेफ्यूजी की प्रॉब्लम पार्टीशन से जुड़ी हुई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारे सवाल समाप्त होते हैं, यहाँ पे खत्म होते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है, मतलब द होल ऑब्जेक्टिव वॉज टू हैव दी मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम दी मल्टीपल चैप्टर्स विच आर गोइंग टू कम इन योर एग्जाम। तीनों चैप्टर उठा के पटक दिए हैं, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एक बार फास्ट फॉरवर्ड वे में क्या हो गया, रिविजन हो गया। देखो दोनों बुक के एमसीक्यूज दे दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, सैंपल पेपर सॉल्व करवा दिया, सारी चीजें हो गई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कैसे, तो अब देखिए एग्जाम से एक दिन पहले 16 तारीख को एक मैराथन सेशन रखते हैं जिसमें और भर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आपने सब कुछ पढ़ लिया अपने एंड पे, अब बात यही पे बस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, असर्शन रीजन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सारी चीजों को हम कल मिलने वाले हैं, कल यानी कि 16 तारीख को 4 बजे लाइव मैराथन सेशन में, वहां डिस्कस कर लेंगे जी भर के। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में मजा आया, कैसा लगा, ठीक है, अल्टीमेटली आप मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में कॉन्फिडेंस आता है नहीं आता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं आंसर बनेंगे, तो वो जरूर बताया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इट गिव्स मी मोटिवेशन, ठीक है, वो एक मोटिवेशन देता है कि चलो बढ़िया है, समझ में आई, बच्चों को आगे बढ़ते हैं चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये सारी कहानी को यहाँ पे समाप्त करते हैं अभी के लिए, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर, वी कैन वी विल, थैंक यू वेरी मच।